नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पोर्टल पे। और मैं तो मैम आज आपको करवाने जा रही हूँ रीजनिंग का हमारा नेक्स्ट टॉपिक ब्लड रिलेशन। मैं देखो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे यहाँ से ब्लड रिलेशन से कि ब्लड रिलेशन क्या होता है। ब्लड रिलेशन पता है हमारे रक्त संबंध हम बोलते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन होते हैं जो रिलेशन पर बेस्ड होते हैं। तो ब्लड रिलेशन में तो हमारे रियल रिलेशन आते हैं, हमारे भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, चाचा फूफा बुआ, मतलब ये सारे हमारे ब्लड रिलेशन में आते हैं। और हमारे जैसे दूसरे रिश्तों की बात करें तो जैसे हमारे फ्रेंड्स हो गए, हमारे टीचर्स हो गए, ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे रिलेशन रिश्तों में आ जाएंगे। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर में हम मोस्टली क्या करते हैं, हमारे जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं इसलिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है कि आपसे रिश्ता पूछ जाता है कि वो मेरे पिता के, भाई की, बहन की, लड़की, मतलब इस हिसाब से आपको क्या होता है। सबसे पहले इसलिए बेसिक चीज़ जो आपको पता होना चाहिए ना कि आपको रिश्तों की सही से नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए भी अगर मैं अपनी माता के बारे में बात करूँ तो उसके भाई या उसके मेरी माँ की माँ की बहन या लड़की नानी वो क्या लगेगी क्या नहीं, तो मतलब आपको रिश्तों की सबसे पहले जानकारी होना मस्ट है। ठीक है, सेकंड थिंग, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपको सबसे पहले चीज़ क्या करनी है उस क्वेश्चन को मैं अपने आप को रख लो कि जिससे क्वेश्चन पुट किया जा रहा है, जो कहा जा रहा है वो मैं हूँ। इस हिसाब से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करो ना बिल्कुल चुटके में क्वेश्चन निकल जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो जो लाइन बोलता जाए उसको अपने ऊपर अप्लाई करता जाए कि मेरे दोस्त की, अपने किसी भी दोस्त को माइंड में रख लो, मेरे दोस्त की पत्नी, फिर उसका बेटा की पत्नी, तो आपको सिर्फ क्या करना है अपने ऊपर उसको क्या करना अप्लाई करते हुए चलना है। आपको अपने आप एट द एंड पता होगा कि उसके साथ आपका रिलेशन क्या है। तो रिलेशन में सबको पता होता है कि हमारे रिश्ते में कौन क्या लगता है। तो इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है उस क्वेश्चन को अपने ऊपर लेते हुए चलना। बाकी बेसिक नॉलेज सबको पता होना चाहिए कि भाई आपके ब्लड रिलेशन के अंदर आप कौन क्या लगता है, कि मतलब अगर मेरे मामा आपके मामा के बच्चे आपको क्या लगेंगे, या फिर आप आपके मामा के क्या लगेंगे। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन में एक चीज़ और होती है कि रिलेशन किसका किससे पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर आपका आपके मामा से रिलेशन पूछा जा रहा है कि आप अपने मामा के क्या लगोगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, भांजा। इधर अगर पूछा जाएगा आपका मामा आपको क्या लगेगा, तो सीधी बात है क्या मामा की बात हो रही है तो आपको क्या लगेगा, मामा। तो यहाँ पर ब्लड रिलेशन क्वेश्चन में मेन चीज़ क्या होती है, सोल्व करने के बाद भी आपको ये चीज़ देखनी होती है कि रिलेशन किसका किससे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जो दो पर्सन जिनके बारे में पूछा जा रहा है वो दोनों एक दूसरे से अलग होंगे। आपके माँ बाप के क्या हो, पुत्र या पुत्री, ऐसे ही जो वो पेरेंट्स हैं आपके वो आपके क्या होंगे, या तो माता या फिर पिता। तो आपको क्या करना है ये देखना है कि एट द एंड आपने सोल्व किया, तो सोल्व करने के बाद आप किसके बारे में पूछ रहे हैं, उनकी तरफ से आपकी तरफ रिलेशन पूछ रहे हैं या आपकी तरफ से सामने वाले की तरफ रिलेशन पूछा जा रहा है। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। फर्स्ट थिंग क्या, कि आप रिलेशन वाले क्वेश्चन को अपने ऊपर अप्लाई करते हुए चलेंगे। सेकेंड थिंग क्या, कि आपके जो क्वेश्चन में एट द एंड रिलेशन किसका किसकी तरफ पूछा जा रहा है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। और बाकी आपके बेसिक से नॉलेज हम कह सकते हैं भाई का पुत्र पुत्री का लगेगा, कुछ बेसिक है भाई का पुत्र या पुत्री, मुझे ये बताओ, मैं आपके भाई की बेटी या बेटा, आपका क्या लगेगा, भाई का पुत्र पुत्री क्या होगा, या तो भतीजा बेटा है तो, या फिर भतीजी, या मेरी भतीजी हो, मतलब समझ जाएगा सामने वाला कि आपके भाई की बेटा या बेटी है। भतीजी है तो आपके भाई की बेटी है, और भतीजा है तो आपके भाई का क्या है, वो बेटा है। आपने जिससे कहा है ये तो मेरा भतीजा है, तो समझ गया ना कि ये आपके भाई का क्या है, बेटा है। ऐसे ही माता और पिता की पुत्री क्या होगी, माता या पिता की पुत्री क्या होगी। अगर आप कहेंगे मेरी माता की पुत्री, मतलब मेरी बहन की बसी से, तो बोल अपनी बहन की बात कर रहा है। अगर आप घुमा के क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन तो देती जैसे ट्रिकी है, लेकिन आप अगर आप किसी सामने वाले कैसे कहेंगे मेरी माता की जो लड़की है ना वो ऐसे कर रहे थे, तो सीधे से बोल तेरी माता की, मतलब तुम्हारी माँ की है लड़की, तो ऐसा होता है तुम्हारी बहन होगी ना। तो माता या पिता की पुत्री अगर ब्लड रिलेशन लिखा जाता है इसमें जगह पर आपको क्या कंसिडर करना है कि वो आपकी बहन के बारे में बात कर रहे हैं। भाई का पुत्र पुत्री है तो इसका मतलब आपकी भतीजे के बारे में बात हो रही है, तो मतलब आपको उसको अपना ऊपर अप्लाई करते चलना। लेकिन क्वेश्चन को घुमाने के लिए वो इस तरह की बड़ी यूज करेगा कि आपकी माता या पिता की जो पुत्री है उसका जो पति है या फिर उसका जो बेटा है वो आपका क्या लगेगा। तो आपको क्या समझना है कि सीधे सीधे माता पिता की पुत्री मतलब मेरी बहन का पति मतलब आपके जीजा हो गए, उसका बेटा आपका क्या रहेगा, सीधे से बात फिर आप उसे क्या हो गए, मामा हो गए ना, और वो आपका क्या रहेगा, भांजा रहेगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है अपने ऊपर उस क्वेश्चन को अप्लाई कर देना, ईजी हो जाए सो। तो वर्ड थोड़ा घुमाने के लिए इस तरह के यूज हो सकते हैं कि माता पिता की पुत्री, इसका मतलब समझोगे आप क्या है, वो बहन।
ऐसे ही बहन का पुत्र या पुत्री क्या हो जाएगा? बहन का पुत्र या पुत्री वर्ड यूज किया गया है क्वेश्चन में, बहन का पुत्र या पुत्री वर्ड यूज किया गया है, तो इसी तरह आप उसको क्या मान लोगे? भांजा या भांजी की बात हो रही होगी, लड़का है तो भांजा और लड़की है तो भांजी, भी मेरी भांजी, बहन की आपकी बहन की पुत्री आपकी क्या होगी? भांजी होगी। ऐसे नेक्स्ट लोगों पिता का भाई, मतलब कहीं पे लिख दिया किसी क्वेश्चन में पिता का भाई, तो आपको समझना है पिता का भाई मतलब या तो मेरे चाचा की बात हो रही है या फिर मेरे ताऊ जी की बात हो रही है। तो चाचा या ताऊ आप कंसिडर करोगे अगर पिता का भाई वर्ड यूज किया गया किसी क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट अगर दिया गया भाई की पत्नी, मतलब भाई की पत्नी लिखा है तो क्या हो जाएगा कि भाई की पत्नी वर्ड यूज करेंगे क्वेश्चन में, तो आप कहोगे वो कौन हो गया आपकी भाभी, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन को सोल्व करना है। या माता का भाई क्या कहलाएगा आपका? ये उनके लिए है जिनको ब्लड रिलेशन के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं है, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए, बाकी सबको पता ही है इतना तो हम कोई एडवांस है जिसको अपने मतलब यही पता है कि ये लगेंगे क्या रिलेशन में, कि भतीजा रहते हैं कि भांजी रहती है, बहन है कि चाचा ताऊ, फिर भी थोड़ा सा हम कई बार इन क्वेश्चन को देखे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्वेश्चन को तो हमको घुमाना है ताकि आप समझ पाओ। आपको सिर्फ इन चीजों को कंसिडर करना है कि अगर इस तरह का वर्ड यूज किया तो इसका मतलब वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई की पत्नी तो होगी भाभी, ऐसे ही माता की क्या होगा? माता का भाई होगा आपका मामा, माता का भाई क्या कहलाएगा आपका? मामा। ठीक है, बेसिक बेसिक से हमें सबको पता है, जो थोड़ा सा वर्ड टू ट्रिक होते हैं वो बता देते हैं। पिता की बहन होगी हमारी बुआ, माता का भाई, पिता की बहन की बात करेंगे तो उसको हमें पता है पिता की बहन क्या होती है हमारी बुआ होती है, बुआ का पति क्या होता है हमारा फूफा होता है। ठीक है, बुआ के पति की बात करें वो क्या होते हैं हमारे फूफा होते हैं। इस तरीके से बहन का पति क्या कहलाएगा? या तो बहनोई या फिर जीजा, बहन के पति के लिए दो वर्ड यूज कर सकते हैं बहनोई या फिर जीजा, तो बहन का पति क्या कहलाएगा? बहनोई या जीजा। उसके बाद दादा दादी का पुत्र का पुत्र, दादा दादी के पुत्र का पुत्र, सीधी सी बात है दादा दादी आप अपने अपने दादा दादी को माना, उनका पुत्र मतलब आपके पापा या चाचा, उन उसका भी पुत्र मतलब या तो आप या फिर आपके चाचा का बेटा। तो दादा दादी, दादा दादी के पुत्र का पुत्र, ठीक है, एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र का पुत्र की बात होगी, मतलब तुम्हारे पापा सिर्फ अकेले थे और उसके तुम पुत्र हो, तो तुम किसकी बात हो रही है? तुम्हारे खुद की स्वयं की बात होगी। दादा दादी के एकमात्र पुत्र, तो दादा दादी का एक ही बेटा है उसका बेटा, तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है? अगर आप अकेले हो उसका भी एकमात्र, यहाँ पे भी लगा दे एकमात्र, इसका मतलब आपके पापा भी एक ही थे और आगे आप भी एक हो, एकमात्र वर्ड नहीं लगाया, पुत्र की बात हो रही है और आप लड़के हो तो आपकी बात भी हो सकती है और आपके भाई की बात भी हो सकते हैं। तो आपको समझना है कि एक हल्के से एक वर्ड यूज करते ही मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर एकमात्र, इकलौता, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये स्पेसिफाई करते हैं कि एक सिंगल चाइल्ड है या फिर फैमिली में। तो आपको पता है कि भाई की बात हो रही है भाई तो भी आपके दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, बहन की बात हो रही है बहन भी दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकती है। तो जो क्वेश्चन को क्लियर करता है वो आपका इकलौता या एकमात्र शब्द क्लियर करता है। ठीक है, तो दादा दादी के पुत्र का पुत्र कौन हो जाएगा? रिलेशन में क्या कहलाएगा? वो उनका पोता हो जाएगा। दादा दादी के पुत्र का पुत्र क्या हो जाएगा? पोते की बात कर रहे हैं, दादा दादी के पुत्र का पुत्र मतलब पोता। तो पोता आप भी हो सकते हैं, आपका कोई कजन ब्रदर हो सकता है या आपका कोई रियल ब्रदर हो सकता है अगर इकलौता वर्ड यूज नहीं किया। ऐसे ही माता की बहन मौसी, पता ही होगा आपकी मम्मी की सिस्टर, माता की बहन क्या कहलाएगी? आपकी मौसी कहलाएगी। उसके बाद पिता की बहन बुआ हो गई, नाना नानी की पुत्री का पुत्री का पुत्र, नाना नानी की पुत्री, नाना नानी की पुत्री मतलब आपकी मम्मी से लेके चलो आपकी नाना नानी की पुत्री मतलब आपकी नानी या नाना की पुत्री मतलब आपकी मम्मी का पुत्र क्या हो जाएगा? नाती कहलाएगा, मतलब आपकी बात हो रही है तो दादा दादी के आप पोते हो गए और नाना नानी के आप क्या हो गए? नाती हो गए। तो नाना नानी की पुत्री मतलब आपकी मम्मी या आपकी मौसी का पुत्र वो क्या कहलाएगा? नाती कहलाएगा। दादा दादी के पुत्र का पुत्र क्या कहलाएगा? पोता कहलाएगा। ठीक है, दादा तरफ से रिलेशन आएगा आपकी दूसरी जनरेशन में पोता या पोती वर्ड आएगा और नाना नानी तरफ से जो आएगा वो नाती क्या आएगा? नाती नाती नाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है नाना नानी का इकलौता दामाद। अगर लिखा आ गया नाना नानी का इकलौता, क्लियर कर दे तुम्हें भी, एक ही है इकलौता दामाद, एक ही दामाद है और आपके नाना नानी की बात हो रही है तो उनका एक ही दामाद है, समझ सीधी बात आपके पापा की हो रही है तो क्या हो जाएगा पिता, इसकी बात हो रही है आपके फादर की बात हो रही है। नाना नानी का इकलौता दामाद, दामाद मतलब कि बेटी का पति, तो वो कौन हो गया आपके पिता की बात हो रही है, इकलौता कह दिया एक ही दामाद है, मतलब एक बेटी थी तो एक ही दामाद है, तो आप के नाना नानी है तो सीधी बात आपके पिता की बात हो रही है, ठीक है। तो नाना नानी का इकलौता दामाद कौन होगा, आपका पिता कहलाएगा। इसी प्रकार से दादा दादी का इकलौता पुत्र, दादा दादी का इकलौता पुत्र, दादा दादी का इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा बताओ, दादा दादी का इकलौता पुत्र, क्या करके दादा दादी के एक ही पुत्र है तो वो भी क्या हो जाएगा आपका पिताजी आपके फादर हो जाएंगे, दादा दादी का इकलौता पुत्र भी कौन हो जाएगा आपका फादर, और नाना नानी का इकलौता दामाद भी कौन हो जाएगा आपके फादर, आपके पापा की बात होगी। ऐसे ही नाना नानी का पुत्र, फिर कहते नाना नानी के पुत्र की बात, नाना आपके नाना है, नानी का पुत्र आपका क्या लगा भैया, मेरा मामा लगा, नाना नानी का पुत्र क्या कहलाएगा आपका मामा कहलाएगा। ऐसे पत्नी की माँ क्या कहलाती है, आपकी पत्नी की माँ क्या कहलाएगी आपकी सास, आपकी वाइफ की जो माँ होगी वो क्या कहलाएगी सास कहलाएगी। ऐसे ही पत्नी की बहन, पति की बहन क्या कहलाएगी ननद कहलाएगी, कह रही मेरी पति की बहन, पति की बहन तो मतलब वो लेडी बात कर रही है, वे मेरे पति की बहन मेरी क्या हो जाएगी ननद हो जाएगी। आपको यहां से समझ रहे पति किसका पति, किसी कोई लेडी बात कर रही है ना, वे मेरे पति की बहन मेरी क्या होगी ननद हो जाएगी, तो आपको इन वर्ड्स को समझना है, ब्लड रिलेशन सबको आता है, सिर्फ वो जो घुमाएगा वो वर्डिंग से घुमाएगा। तो यहाँ पर अगर पत्नी की बहन है, मेरी पत्नी मेरे पति की बहन, तो इसका मतलब है वो लेडी बात कर रही है तो मेरा पति, मतलब सीधा आप अपने ऊपर ले लो एक टाइम के लिए, अगर बॉय भी हो तो गर्ल से डेवलप अपने आप को भी, मेरे पति की बहन मतलब सीधी सी बात है मेरी ननद की बात हो रही है, ठीक है। ऐसे ही पिता के पिता या माता का इकलौता पुत्र, कहीं पे लिखा आ जाए पिता के पिता या माता, आपको बोल दिया कि आपके पिता के पिता का इकलौता पुत्र कौन होगा, आपके पिता के पिता या माता का इकलौता पुत्र बताओ, तुम्हारे पिता के माता या पिता मतलब तुम्हारे दादा दादी का एक ही पुत्र है कौन होगा, तुम्हारे दादा दादी का एक ही पुत्र कौन होगा आपका आपके पापा खुद, तो क्या हो जाएंगे वो आपको क्या लगेंगे पिता, तो अगर एक वर्ड ऐसे लिख दिया ये आपके पिता के पिता का इकलौता पुत्र आपका क्या लगेगा, तो क्या लगेगा आपके फादर पिता लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट माता के पिता या माता के इकलौती पुत्र क्या कहलाएगी, माता आपकी मदर की तरफ से पूछ लिया, आपकी माता के पिता या माता की इकलौती पुत्री आपकी क्या लगेगी, माँ लगेगी माता लगेगी, आपकी माँ के पिता मतलब आपके नाना या आपकी माता की माँ मतलब आपकी नानी की एक ही बेटी है वो कौन होगी, आपकी माँ खुद एक ही है तो इसका मतलब आपकी माँ हो गई, आपकी नानी है तो नानी इसका मतलब आप उनकी बेटी के बच्चे हो गए, वो एक ही बेटी है तो इसका मतलब वो खुद आपकी माँ के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पुत्र वधू की पुत्री, पूछ जाए मैं पुत्र वधू वर्ड यूज कर दिया, पुत्र वधू की पुत्री, पुत्र वधू क्या मतलब पुत्र वधू कौन होता है, मतलब आपके सास ससुर बात कर रहे हैं अपने बेटे की वाइफ के बारे में, पुत्र की वधू की आपके जो सास ससुर हैं वो बात कर रहे हैं किसके बारे में, अपने बेटे की पत्नी के बारे में, अब बेटे की पत्नी मतलब उनकी बहू होगी की पुत्री मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं, पोती की बात कर रहे हैं कि मेरी जो पुत्र वधू है ना उसकी पुत्री मतलब सीधी सी बात है मेरी पोती, ठीक है। तो जो यहाँ पे कहना चाह रहा है किसके बारे में कहना चाह रहा है उसकी पोती के बारे में, लेकिन घुमा कर मेरी जो पुत्र वधू है ना उसकी पुत्री, पुत्र वधू क्या है
तो मतलब उसके फादर कौन हुए, उसका पुत्र, और उसके पुत्र की बेटी क्या होगी, उनकी पोती कहलाएगी। ठीक है, ऐसे है पुत्र वधु के पति, लिख दिया पुत्र वधु का पति, वही पुत्र वधु का पति कौन होगा, मतलब उनकी बेटे की बात हो रही है, तो पुत्र वधु का पति हो जाएगा हमारा पुत्र। खुद उनके किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो अपने बेटे के बारे में बात कर रहे हैं। पुत्र वधु मतलब यहाँ पे बोलने वाला कौन है, सास या ससुर बोल रहे हैं, हमारे पुत्र वधु का जो पति है मतलब हमारा बेटा। ठीक है, समझना है बस, अपने ऊपर अप्लाई कर दो, क्लियर हो चलेगा। ये मत लेना कि दो जेंट्स वाला लेडीज वाला, तुम उस सिचुएशन में अपने आप को रखो, फिर उस जो भी वो बोले जा रहा है बस अपने ऊपर, अपने घर के रिश्तों में आसपास ढूंढने की कोशिश करना कि यहाँ पे कहाँ कहाँ जा रहा है। एट द एंड आपको पता होगा क्योंकि रिलेशन में तो हमें पता होता है, वहाँ पे याद नहीं करते, हमें याद पता होता है ये मेरा क्या लगता है रिलेशन में। ठीक है, फटाफट निकाल दो। तो पुत्र वधु का पति का मतलब है वो अपने पुत्र के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ससुर या सास की इकलौती पुत्री, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ससुर या सास किसके बारे में बात हो रही है, ससुर या सास की इकलौती, ससुर या सास की इकलौती पुत्री, मतलब यहां पे बोलने वाला कौन है, सास ससुर की इकलौती पुत्री, सास ससुर की, या तो यहां पे कौन बोल रहा है, पुत्री की बात हो रही है, सास ससुर की पुत्री है, तो यहां पर जो बोलने वाला होगा वो कौन होगा, जेंट्स होगा, आदमी होगा। तो किसी आदमी की सास ससुर की इकलौती पुत्री, एक ही बेटी है और ये उसके सास ससुर है, तो स्थिति से बात है वो आदमी की क्या हो जाएगी, पत्नी नहीं हो जाएगी। कह रहे भी मेरे सास ससुर की एक ही बेटी है, सास ससुर की एक ही बेटी है, इसका मतलब है वो आदमी की पत्नी, वो अपनी पत्नी के बारे में ही यहाँ पे बात कर रहा है। सास ससुर की इकलौती पुत्री मतलब मेरी पत्नी, यहाँ पर ये है बोलती, कहता था मैं मेरी कि मेरा क्या है, मेरी पत्नी के भाई की बेटी मेरी क्या लगेगी, लेकिन उसने इसको घुमा दिया कि सास ससुर की इकलौती पुत्री, उसका रिलेशन बताना है किसके साथ। तो पहले आपको क्लियर करना है कि ये जो लाइन निकल के आएगा कौन सा रिलेशन, यहाँ से कौन क्या आया हमारा, सीधे सीधा निकल के आएगा पत्नी, वो अपनी पत्नी के बारे में बात कर रहा है। ऐसे ही मामी के ससुर की इकलौती पुत्री, मामी के ससुर की एक लौती पुत्री, मामी के ससुर की लौती पुत्री, तुम अपनी मामी में चले जाओगे, मैं अपनी मामी की बात करूं तो मामी कौन है, मेरे मामा जी की पत्नी, मामा जी की मतलब मामी के ससुर, मामी कौन है भाई, मामी की शादी मामा से, इनका ससुर कौन लगेगा, मामा के पिता, जो क्या हो जाएंगे आपके मामी के ससुर हो जाएंगे, उनकी इकलौती पुत्री मतलब आपकी मम्मी या फिर आपकी मौसी हो जाएगी। इकलौती कह दिया तो मौसी वाला ऑप्शन ही खत्म हो गया, तो सिर्फ क्या किसकी बात हो रही है, आपकी मम्मी की बात हो रही है, ये समझो। मामी के ससुर, तो मामी की शादी मामा से, मामा का पिता क्या हो जाएगा, मामी का ससुर कहलाएगा। ठीक है, फिर उस ससुर की क्या है, एक ही पुत्री है, एक ही पुत्री है, तो वो पुत्री कौन है, ये आपकी मम्मी हो जाएगी। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मामी के ससुर की एकमात्र पुत्री आपकी क्या लगी, आपकी मम्मी लगी हुई, मामी के ससुर की इकलौती पुत्री आपकी क्या होगी, माता कहलाएगी। समझना, तो आप अपनी अपनी मामी को, मामी होगी सबके ऑलमोस्ट, सोच देखो भाई मामी, आपकी मामी के ससुर मतलब आपके नाना जी, नाना जी की इकलौती पुत्री मतलब आपकी मम्मी, खत्म ये। ठीक है, तो सबसे इजी वे क्या है, आप इधर उधर घूमने सोचना नहीं, अपने ऊपर अप्लाई करो उस लाइन को और वहां से निकालो कि किसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन तभी आगे बढ़ पाएगा जब हमें पता हो कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। ठीक है, ये जो बेसिक चीज थी जो मैंने आपको बताई कि आपको माइंड थोड़ा रहना चाहिए, अगर इस तरह का वर्ड यूज किया था इसका मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है, सास ससुर की इकलौती पुत्री, पुत्री तो ये है इसका मतलब यहाँ पे जेंट्स है, और इस आदमी की पत्नी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है, मामी की बात हो रही है इसका मतलब यहाँ पे कौन, भांजा या भांजी बात कर रहे हैं। ठीक है, भांजी के मामी के ससुर, तो माँ भांजी है यहाँ पे, तो वो ससुर क्या होगा, नाना जी होगी, नाना जी की एकमात्र पुत्री क्या होगी, मम्मी होगी। ठीक है, तो ये इसलिए है कि आपको ये समझ में आए कि कौन बोल रहा है और हमें रिलेशन किसके साथ बताना है, ये आपके माइंड थोड़े होने चाहिए, इस तरह की कुछ लिख दिया जाए आपको पता हो।
नेक्स्ट अब क्या है, हम जो ब्लड रिलेशन को करेंगे ना वो ट्री स्ट्रक्चर से करेंगे। हम ब्लड रिलेशन को किससे सॉल्व करेंगे? ट्री स्ट्रक्चर मेथड से। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इजी, बिल्कुल। ब्लड रिलेशन कोई कच्चा है तो आप क्या करो, ट्री स्ट्रक्चर से किसी की भी क्या करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। तो जो बोल रहा है उसको ट्री में फुट करते जाओ। इसके लिए 4-5 सिंपल है, बस आपको वो याद रखना है। देखो भाई, मेल को डिनोट करने के लिए, मेल का मतलब है पुरुष को दिखाने के लिए, आप जो सिंबल यूज करोगे ना वो प्लस का साइन यूज करोगे, ठीक है। जहां पे भी आपको मेल डिनोट करना है कि ये आदमी के बारे में बात हो रही है, तो वहां पर आप कौन सा सिंबल यूज करोगे? प्लस का साइन यूज करोगे। तो प्लस किसके लिए यूज करोगे आप? तो प्लस आप यूज करोगे पुरुष या फिर आप बात करो मेल के बारे में, ठीक है। माइनस का सिंबल आप यूज करोगे महिला फीमेल के बारे में बात कर रहे हो, तो आप कौन सा सिंबल यूज करोगे? माइनस का सिंबल यूज करोगे। प्लस का सिंबल यूज करोगे पुरुष के लिए, ठीक है। उसके बाद पति पत्नी का रिलेशन दिखाने के लिए किसका सिंबल यूज करोगे? इक्वल। पति पत्नी का इक्वल लेवल में, तो इक्वल का साइन यूज करोगे पति और पत्नी का रिलेशन दिखाने के लिए। पति पत्नी का संबंध दिखाने के लिए किसका यूज करोगे आप? इक्वल के साइन, ठीक है। पति पत्नी दिखाने के लिए हस्बैंड वाइफ है, तो वहां पे आप साइन जो यूज करोगे वो हमारा इक्वल का साइन, ठीक है। उसके बाद समान पीढ़ी को अगर आपको दिखाना है, ठीक है, समान पीढ़ी को दिखाना है, मतलब हम बात करें चाचा की, पापा की, बुआ की, एक ही जनरेशन की है, मामा की, मौसी की, मम्मी की, एक ही जनरेशन के लोग, या मैं, मेरा चचेरा भाई या मेरी बहन, वो जो एक समान पीढ़ी के सेम जनरेशन के लोगों को दिखाने के लिए, सेम जनरेशन मतलब समान पीढ़ी, एक ही पीढ़ी के लोग हैं, समान पीढ़ी को दिखाने के लिए किसका यूज करोगे आप? इस लाइन का यूज करो। माइनस का साइन नहीं, ये सिर्फ डैश और लॉन्ग डैश, माइनस का सिंबल मत लेना कि माइनस में दिखाएगा कि महिला है, प्लस दिखाएगा पुरुष है, और ये जो डैश का निशान दिखाएगा सेम जनरेशन के बीच में। अगर मेरे को ऐसे दिखाना है ये भाई बहन है, तो इनके पीछे में किसका निशान लगा दूंगी, लंबी आपकी स्लीपिंग लाइन लगा दूंगी। इसका मतलब है ये क्या है, इनके एक ही पीढ़ी के लोग, ठीक है, भाई बहन होंगे, चाचा चाचा के, फुआ के, या फिर मामा के बच्चे हैं, तो उनको सेम पीढ़ी दिखाने के लिए मैं इस सिंबल का यूज करूँ, ठीक है। और लास्ट क्या, जनरेशन गैप को दिखाने के लिए जो सिंबल यूज करेंगे हम अपने इसमें सोल्व करने के लिए, वो हम यूज करेंगे स्टैंडिंग लाइन। किसको दिखाने के लिए यूज करेंगे स्टैंडिंग लाइन को हम? जनरेशन गैप, जनरेशन गैप, पीढ़ी का अंतर दिखाने के लिए। कि मतलब मैं अगर बात करूं मेरे दादा, मेरे नाना, तो वो हमसे पहले वाली पीढ़ी आ गई, ठीक है। मैं अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ तो वो हमसे नेक्स्ट जनरेशन आ गई, ठीक है। तो जनरेशन गैप क्या होता है, पीढ़ी के अंतर को दिखाने के लिए यूज करेंगे हम किसका? सेंडिंग लाइन का, ठीक है। तो जहां पर आप या तो आगे की तरफ जा रहे हो कि आप अपने बच्चों के बारे में बात कर रहे हो, आप अपने बच्चों के भी बच्चों के बारे में बात कर रहे हो, तो वहां पर तो आएगा आपका क्या, स्टैंडिंग लाइन। और जहां पर आप अपने भाई बहनों के बारे में बात कर रहे होंगे, वहां पर आएगा आपकी स्लीपिंग लाइन। जहां पे आप पेशेंट्स को माता पिता पति पत्नी के हिसाब से दिखाना चाहते हो, इन दोनों बीच में पति पत्नी का रिलेशन, तो आप हम ट्री के अंदर हर चीज लिखेंगे थोड़े, तो सिंबल से डिनोट करेंगे। तो पति पत्नी का संबंध दिखाएंगे हम यूज करेंगे इक्वल का साइन, और महिला को दिखाने के लिए यूज करेंगे माइनस का, और पुरुष को दिखाएंगे प्लस का। सिर्फ ये 5 सिंबल आप माइंड में रखना कि पुरुष दिखना है तो कहीं पर पुरुष लिखने के बजाय आप क्या कर दो, उसके नीचे प्लस का निशान लगा दो, ये क्या है, आदमी है, महिला है वो कहीं पर रिलेशन में, तो आप उसके नीचे किसका निशान लगा दो, माइनस का, ताकि पता चल जाए ये क्या है, महिला के बारे में बात हो रही है। पति पत्नी दिखाने तो ये सेम जनरेशन दिखाने तो ये, और जनरेशन गैप दिखाना है तो स्टैंडिंग लाइन, जनरेशन गैप। ये 5 सिंबल माइंड में रखना, फिर मैं बताती हूँ कि सोल कैसे करना है पीढ़ी अंदर, ठीक है। ये 5 सिंबल माइंड में रखना। अब क्वेश्चन देखना, टाइप करने से भी 2-3 ब्लड रिलेशन के अंदर भी है ना, 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तो हर एक टाइप में 2-3 क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले टाइप 1 कर रहे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, ये लिख लिए ना, समझ लिए ना, प्लस माइनस इक्वल का साइन, स्लीपिंग लाइन देन स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन सेम जनरेशन और स्टैंडिंग लाइन जनरेशन गैप। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार बच्चे गलती कर देते हैं, क्यों, ब्लड रिलेशन तो हमें पता होता है लेकिन कई बार क्वेश्चन नहीं समझ पाते कि कहना क्या जा रहा है, तो आपको वही जो मिस्टेक करते हो वही मैं आपको पॉइंट आउट करना चाह रही हूँ कि कहाँ पे आप गलतियां कर सकते हो, इसके साथ क्वेश्चन आता हो गलत हो जाता है।
तो पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप वन, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वन क्या है। कह रहे ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, ठीक है। तो बी का ए से क्या संबंध है, बिल्कुल बेसिक से जानना है। तो बी का ए से क्या संबंध है, देखो मैं तुम्हें बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करवा रही हूँ कि जिसने भी ब्लड डोनेशन पहले कभी नहीं किया है या जिसका ये पार्ट कमजोर है वो स्टार्टिंग समझे कि ट्री स्ट्रक्चर से हम इसको सोल्व कैसे करते हैं। तो बिल्कुल स्टार्टिंग स्टार्ट करेंगे। ए बी का पुत्र है, कौन पुत्र है, ए पुत्र है, क्योंकि इसके बाद कोमा लगा दिया, मतलब ए के बारे में बात करी, ए है बी का पुत्र, तो ए तो पुत्र है, मतलब ए तो आ गया आपका नीचे। अरे क्या है, पुत्र है, इसका मतलब क्या है, मेल है, पुरुष है, तो इसे नीचे साइन लगा दिया प्लस का। ए तो पुत्र हो गया, ए है पुरुष है, क्यों पुत्र है, इस वजह से पुरुष है, मेल है, किसका है, मतलब ये वाला जनरेशन तो नीचे आ गया ना कि ये बेटा है, तो मतलब इससे ऊपर कौन है, बी हो गया ना, ए बी का पुत्र है, तो बड़ी वाली जनरेशन कौन सी हुई, जो ऊपर वाली है पिता वाली, तो बी आ गया ऊपर, ये पुत्र है उसका, तो ये ए आ गया उससे नीचे, बिल्कुल बेसिक है हमारा, ठीक है। दो जनरेशन का गैप है, ये तो बच्चों की आ गई, ये माँ बाप वाली कैटेगरी आ गई, दोनों के बीच में क्या स्टैंडिंग लाइन आई, क्यों यहाँ पे क्या है हमारा जनरेशन का गैप आ गया, पीढ़ी का अंतर आ गया। अब कह रहे तो बी का ए से क्या संबंध है, तुम सीधा कह दो देखो मैम बी ए का क्या होगा, पिता हो गया, नहीं भाई हमें इस क्वेश्चन में कहीं पे भी बी के जेंडर के बारे में बताया नहीं गया कि बी आपका मेल है कि फीमेल है, क्योंकि अगर ये माता भी हो सकती है और ये आपका पिता भी हो सकता है, क्योंकि माता का भी वो पुत्र ही कहलाएगा, पिता का भी वो पुत्र ही कहलाएगा। तो इन्होंने सिर्फ ये बताया कि जो बी है ना वो ए की अगर नाम दिया होता सुधा या कुछ भी, रमा सीता कुछ भी अगर नाम दिया होता तो हमें नाम से नजर लग जाता है कि हाँ ये तो लेडी है, लेडी का पुत्र की बात हो रही है, तो समझता सीधी सीधी उसकी माँ होगी, इसलिए ये ए बी पी के ओ आर में देते हैं ताकि जेंडर स्पेसिफाई ना हो नाम से, क्योंकि पहले बच्चों को निकालना नहीं पड़े, नाम से पता चल रहा है कि हाँ किसी लेडी के बारे में बात हो रही है, तो हमें यहाँ पता ही नहीं कि बी कौन है, कि ये माता है या फिर पिता है। तो हमसे पूछा क्या है, ए पुत्र है, ए लिख दिया नीचे, पुत्र है इसलिए लिख दिया प्लस का साइन क्योंकि मेल है, बी का है, बी लिख दिया हमने ऊपर, इन दोनों के बीच में क्या है जनरेशन का गैप, तो इसलिए मैंने लगा दी सेंडिंग लाइन। अब बी क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, बी का ए से क्या संबंध है, मतलब बी का इस बी का ए से क्या संबंध है, अभी तो बताया था ए का बी से, अब आपसे उल्टा करके पूछ लिया बी का ए से संबंध बताओ। अब भाई जब मुझे बी का जेंडर ही नहीं पता कि वो माता है कि पिता है, मैं कैसे बताऊं, अगर ऑप्शन में दोनों दे रखे हो, माता एक में दे दिया, एक में दे दिया पिता, एक में दे दिया माता और पिता, माता या पिता या फोर दे दिया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अगर आपका माता और पिता दोनों दे थे ऑप्शन में कि माता या पिता, या तो माता लगेगी या पिता लगेगी, तो आप इसको कौन से कराओ, ये थर्ड वाला करेक्ट है, या तो माता या फिर पिता। लेकिन अगर आपको ये ऑप्शन ही नहीं दिया, एक ऑप्शन में दे दिया माता, एक में दे दिया पिता, एक में देने में से कोई नहीं, एक में दे दिया कुछ भी भाई, कुछ भी दे दिया, ठीक है, अब तो आप इसमें से कौन सा आंसर करके आओगे, कोई कह देगा अरे माता ठीक है माता कराओ, किसी ने कह दिया पिता, पिता लगता है किसी के दिमाग में आया कि बी उसका पिता होगा तो उसने पिता का गोल्डन बना दिया, किसी के दिमाग में आया अरे बी उसकी माता होगी तो उसने माता उनसे टिक कर दो। लेकिन यहाँ पर जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, तो हम अपनी तरफ से बिल्कुल भी अज्यूम नहीं कर सकते कि ये माता होगी या पिता होगा, तो उस केस में आपका जो आंसर होगा वो ये होगा, इनमें से कोई नहीं। अगर दो आंसर आ रहे हैं किसी क्वेश्चन के और दोनों आंसर अलग अलग पार्ट में दिए हैं, तो आप अपनी मर्जी से किसी एक पार्ट को चूज बिल्कुल भी नहीं करोगे, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन अगर दोनों एक साथ दे दिए कि माता या पिता, तब आप उसको कंसिडर कर सकते हो कि हाँ दोनों ऑप्शन में से एक ही आंसर है कन्फर्म है, या तो फिर माता या फिर पिता, ये दोनों ऑप्शन एक साथ दे रखे हैं कि माता या पिता, देन यू विल चूज इट, तो आप तब उसको चूज कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, अगर आपको जेंडर के बारे में नॉलेज नहीं मिल रही आपके क्वेश्चन वाले पार्ट से। तो यहाँ पे क्या था, ए का बी से रिलेशन बता रहा था, ए की तरफ से किसकी तरफ रिलेशन बता रहा था, बी की तरफ बता रहा था,
और आपसे पूछा क्या गया था, बी से ए की तरफ पूछा गया था कि बी है वो ए का क्या लगेगा। अब मोस्टली बच्चे क्वेश्चनों में यही गलती कराते हैं, सोल्व तो कर लेते हैं लेकिन लास्ट में ये ध्यान नहीं देते कि आंसर आता है कि माँ बेटे का रिलेशन होगा, तो जहाँ पे बेटा कहता है बेटे को टिक कर देते हैं, लेकिन ये देखते कि माता का बेटे की तरफ से पूछ रखा है रिलेशन या बेटे का माता की तरफ से पूछ रखा है, क्योंकि वहां पे अंतर हो जाएगा। आप आपकी माँ की बेटी लग रहे हो तो आपकी माँ आपकी क्या है, तो वहां पे वो क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी। तो आंसर निकलना है या तो बेटा या फिर माता, तो आपको देखना है इधर से इधर की तरफ पूछा है तो आंसर होगा माता, लेकिन अगर इससे इसकी तरफ पूछा है तो आंसर होगा बेटा। जैसे इस क्वेश्चन में ए से बी का तो बता दिया कि ए तो इसका बेटा है, लेकिन बी का नहीं बताया कि बी इसकी माँ है कि पिता है, इसलिए हमारा आंसर फिक्स नहीं है। इसमें दोनों में से कोई भी हो सकता है, माता भी हो सकती है पिता भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का ही क्या लगेगा, बेटा ही लगेगा, दोनों का वो पुत्र ही लगेगा। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक आपको ये चीज समझनी है, ट्री में बनाना कैसे। इसी के अंदर थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया, जैसे कह रहे हैं ए बी की माँ है, ए क्या कह रहे हैं, बी की माँ है। ठीक है, तो बी का ए से क्या संबंध है, सो बी का ए से किसका बताना है, बी का बताना है, किससे बताना है, ए से बताना है, बी का ए से क्या संबंध है, ये पूछा है उसे। हम ट्री बनाएंगे भाई, ए क्या है, माँ है, मतलब ए आएगी ऊपर, ए माँ है, माँ है इसका मतलब किसका साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, मतलब क्यों, क्योंकि ये क्या है, फीमेल है। हमें पेपर में नहीं लिखा यहाँ पे फीमेल, हम साइन इसलिए लिखते हैं ताकि हमारे माइंड में रहे कि मेल और फीमेल किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये ए माँ है तो इसका मतलब क्या है, फीमेल है, फीमेल है तो हम कौन सा साइन लगाएंगे, ए के साथ नेगेटिव साइन। ए माँ है, किसकी माँ है, बी की माँ है। ये तो इन्होंने बताया था, हमने बना दिया ट्री, जनरेशनल गैप हो गया, क्यों, ये माँ थी ये उसके बच्चे हैं, तो इनके बीच में एक पीढ़ी का अंतर आ गया। तो बी का ए से क्या संबंध होगा, उल्टा पूछ दिया, बी का ए से संबंध बताओ। भैया अगर हमें बी तो नहीं पता, माता तो ये है, लेकिन ये इसकी बेटी है कि इसका बेटा है, जेंडर तो डिफाइन नहीं किया, अब मैं कैसे बताऊं कि बेटा लगेगा कि बेटी लगेगी। इन्होंने ये बता दिया कि ये तो माँ है, यहाँ से तो क्लियर हो गया माँ है, इसका मतलब ये तो फीमेल होगी, लेकिन बी कौन है, बेटा की बेटी। अब मुझे बताना है कि बी का ये संबंध क्या होगा, अगर बी फीमेल है, सॉरी अगर बी फीमेल है तब तो वो क्या लगेगी, उसकी बेटी। अगर क्या बी क्या है, अगर फीमेल है तब तो लगेगी बेटी, लेकिन अगर बी क्या है, मेल है, लड़का है, तो वो क्या लगेगा, उसका बेटा। तो दोनों आंसर क्या डिफरेंट है, एक में बेटा, एक में बेटा, एक में बेटी आ रहे, तो ऑप्शन में दोनों दे दिए बेटा, एक में ऑप्शन दे दिए बेटा, एक में बेटी, तो कौन से को चेक करोगे, कौन से को आप सिलेक्ट करोगे। तो दोनों में से भाई हम अपनी मर्जी से स्पेसिफाई नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी से कंसिडर नहीं करेंगे कि बेटा है कि बेटी है, तो आप किसी भी सिंगल एक आंसर के साथ नहीं जाओगे कि आपने अपनी चॉइस से बेटा सेलेक्ट कर लिया या अपनी मर्जी से बेटी को आपने क्या कर दिया, राइट मार्क कर दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या रहेगा, आपका आंसर क्या रहेगा, पुत्र या पुत्री। अगर किसी एक ही ऑप्शन के अंदर दोनों दे रखे फिर तो ठीक है, पुत्र और पुत्री ऐसे दिया हुआ है फिर तो ठीक है, फिर तो हम उस ऑप्शन को कराएंगे। लेकिन अगर सिंगल सिंगल दिए हैं, एक में पुत्र लिखा है दूसरे ऑप्शन में पुत्री लिखा है, तब हम किसी एक ऑप्शन के साथ नहीं जा सकते, तो वहां पर हम करके आएंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, समझ में आया, क्या समझना है, किसका किसकी तरफ रिलेशन दे रखा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है, हमें ये देखना है एट द एंड क्वेश्चन में ट्री बनने के बाद कि रिलेशन किसका किसकी तरफ बताना है। ये तो छोटा सा बिल्कुल बेसिक है दो लोगों के बीच में, इसलिए तुम समझ में आया क्या दिक्कत वाली बात, जब आगे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे ना, इसके मामा के चाचा के भाई फिर उसकी ये, जब ट्री बड़ा हो जाएगा तब आपको ये चीज मैटर करेगी कि रिलेशन किसका किसकी तरफ बताना है। ठीक है, अब तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है कि आपको माइंड में क्या रखना है कि जिसका भी जहां पे भी जेंडर स्पेसिफाई कर दे ना, कि बेटा लिख दिया या बेटी लिख दिया या पुत्र लिख दिया पुत्र लिख दिया या भाई या बहन, माता या पिता, उसी टाइम से साफ में साइन लगा दो कि आपको माइंड में रहे कि वो मेल है या फिर वो फीमेल है, ताकि जब लास्ट में आपको आंसर देना हो तो फिर आपको फिर से क्रॉस चेक ना करना पड़े कि भाई ये मेल था कि फीमेल था,
क्योंकि मेल होगा तो रिलेशन कुछ और होगा, फीमेल होगी तो रिलेशन कुछ और होगा। जैसे अगर आपकी बुआ निकल के आ रही है फिर तो आंसर में बुआ आएगा, लेकिन अगर मेल निकल के आ रहा है फूफा जी की बात होगी तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, फूफा जी हो जाएगा। तो आपका क्या करेगा, आपका साइन आपका मेल और फीमेल से ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज माइंड में लेके चलना कि आपको हर एक के साथ जहां पर भी जेंडर पता चलता है उसी टाइम सिंबल लगा देना है ताकि आपको क्लियर है, कोई डाउट ना क्रिएट हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी का भाई है तो बी का ए से क्या समझ, सारे बेसिक्स से बता रही हूँ। ए बी का भाई है तो बी का ए से संबंध बताना है, बी का ए से क्या संबंध होगा, फटाफट बना दो। ए भाई है बी का, मैंने क्या कहा, जो भाई बहन होंगे ना तो आपको सेम लेवल पे रखना है, ऊपर नीचे नहीं लिखना, सेम लेवल पे लिखना है। ए बी कॉमन लिख दे ऐसे, तो कौन भाई है, पहले वाले की बात होगी, ए बी का भाई है तो ए भाई है, इसका मतलब ए क्या हो गया, मेल हो गया, आदमी हो गया, तो इसके नीचे क्या लगा इन्हें, प्लस का साइन। ये भाई है बी का, अब बी क्या है, प्लस या माइनस नहीं पता मुझे कि मेल है या फीमेल है, कोई आइडिया नहीं मुझे इसके बारे में, क्योंकि बताया ये क्वेश्चन से ये बताया कि ये भाई है, अब वो भाई किसी लड़के का है कि वो भाई किसी लड़की का है वो स्पेसिफाई नहीं है। पूछ लिया बी का बताना है, इसका बताना है जिसका जेंडर हमें पता ही नहीं, उसका दूसरे साथ क्या संबंध होगा, तो क्या होगा, या तो उसको क्या लगेगा, भाई लगेगा, या फिर उसकी क्या लगेगी, बहन लगेगी। तो दोनों में से एक आंसर होना चाहिए, तो सिर्फ सिंगल आंसर को आपको टिक नहीं करना है, दोनों ऑप्शन दिए हैं एक साथ एक ऑप्शन है सिंगल, देन यू सिलेक्ट भाई या बहन, अदरवाइज सिर्फ भाई रॉन्ग है, सिर्फ बहन ऑप्शन में है तब भी रॉन्ग है, लेकिन अगर भाई या बहन ऑप्शन दोनों एक साथ एक ही ऑप्शन दिए हुए, देन यू कैन आंसर इट लाइक दिस, भाई या बहन। और अगर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ कि दोनों को एक साथ दे दें, फिर फोर्थ वाला नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से मेरा कोई आंसर नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, सेम जनरेशन की बात, तो इसलिए मैंने इनको ऊपर नीचे नहीं लिखा, सेम लेवल पे लिखा, उनके बीच के लिए मैंने कौन सा सिंबल यूज किया, स्लीपिंग लाइन, ठीक है। फिर क्या किया नेक्स्ट है, इनके बीच में किस किस का मुझे जेंडर पता है, सिर्फ एक का जेंडर पता था क्योंकि वो क्या था, वो भाई था, जिसमें मैंने उसको मेल का साइन दे दिया प्लस। अब बी का मुझे जेंडर नहीं पता, प्लस है या माइनस, मतलब मेल है या फीमेल, इसलिए मैं उसको ऐसे इसे छोड़ दू बस। फिर क्या पूछ रहे, उल्टा पूछ रहे, बी का ऐसे बताओ, हमें कह दिया नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, या फिर भाई या बहन दोनों एक साथ, इनमें से कोई नहीं हो सकता, या तो भाई या फिर बहन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए बी की पत्नी है तो बी का ए से क्या संबंध हुआ, ए बी की पत्नी है तो बी का ए से क्या संबंध है, बताओ। ए बी की पत्नी है, मैंने क्या कहा था, हस्बैंड वाइफ के लिए किसका साइन यूज करना है, इक्वल का साइन यूज करना है, कर दिया। कौन पत्नी है, ए पत्नी है, ठीक है, ए पत्नी है तो पत्नी है तो मतलब फीमेल है, किस बात पर फीमेल है, जिस बात पर कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, तो ए है फीमेल, नेगेटिव साइन लगा दिया मैंने, तो ऑब्वियसली ये फीमेल है तो फीमेल की शादी किसके साथ होगी, मेल के साथ, तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव साइन। यहाँ पर जेंडर हम निकाल सकते हैं, बेशक इन्होंने एक ही बताया था, लेकिन जैसे ही इन्होंने एक बताया दूसरा क्लियर है, अगर ये मेल है तो वो फीमेल होगी, अगर ये फीमेल है तो दूसरी क्या होगा, पॉजिटिव जेंडर क्या होगा, मेल होगा, क्योंकि शादी केस में होती है अपोजिट जेंडर होती है, एक्सेप्शन केसेस को छोड़ कर, ठीक है। लेकिन जो है आपका वो क्या था, मेल और फीमेल, तो यहाँ पर ए के बारे में बता दें कि वो पत्नी है तो ऑब्वियसली बी क्या हो जाएगा, हमारा मेल हो जाएगा, तो बी का ए से क्या संबंध है, तो बी का बताना है, एरो लगा दिया हमने बैकवर्ड में, बी का संबंध बताना है ए के साथ, तो बी क्या हो जाएगा, बी पति है ए का, तो पेपर में क्या लिखना है आपको, पति, बी का ए से क्या संबंध, आंसर में क्या मिलना चाहिए हमें, पति मिलना चाहिए, ए पत्नी है तो बी क्या है, ए का पति, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा।
पति ने मारा खत्म। बस आपको बनाना सीखना, ये मैंने इसलिए अलग अलग क्वेश्चन छोटे छोटे बनाए कि आपको एक एक जनरेशन गैप के अंदर कैसे आपको ट्री ड्रॉ करना है, सेम जनरेशन में कैसे लिखना है, भाई बहन की कैसे सिंबल लगाना है, स्लीपिंग लाइन का हस्बैंड वाइफ के अंदर कैसे रिलेशन करना है। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे दो तीन सब मिक्स होते चले जाएंगे, भाई बहन है, मम्मी पापा है या पिता दादी है, उनके बच्चे हैं। तो पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए कि ट्री बनाना कैसे, ठीक है। फिर उसके अंदर क्वेश्चन को फाइंड आउट कैसे करना कि किसका रिलेशन किसकी तरफ बताना है। ये तो था बेसिक। तो यहाँ पे तो क्लियर आंसर निकल के आ गया हमारा क्या कि बी ए क्या पति कहलाएगा। नेक्स्ट देखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करेंगे, मतलब ट्री आपको बनाना आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन करेंगे। इतना ज्यादा हाई लेवल नहीं करें, बस ऐसे कर रहे ताकि आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। प्रैक्टिस तो आप जितना मर्जी कर लेना, लेकिन अगर ट्री बनाना आ गया फिर कोई दिक्कत नहीं, बस आपको रखते जाना है। नेक्स्ट है एक स्त्री का परिचय देते हुए, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा उसके पिता का एकमात्र पुत्र, पिता का एकमात्र पुत्र मेरा पिता है। तो बताइए वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है। तो बताइए वह पुरुष किसकी तरफ रिलेशन बताना है, पुरुष का रिलेशन बताना है। तो वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है, मतलब वो आदमी उस औरत का क्या लगता है। आपको पुरुष से स्त्री को बताना है, ना कि स्त्री से पुरुष की तरफ आपको बताना है। तो वह पुरुष उस स्त्री से, तो रिलेशन पुरुष से स्त्री तक बताना है, वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है। तो पहले हमें क्वेश्चन समझना है, एक स्त्री तरफ एक आदमी है, पॉइंट आउट करके कर रहा है, कह रहे हैं कि ये जो है ना स्त्री, इसका पिता का एकमात्र पुत्र मेरा पिता है। तो बताइए वह पुरुष उस स्त्री से कैसे होता। हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, हम ट्री बनाएंगे। सबसे पहले हमने लेके चला किसी तरफ, पॉइंट आउट कर रहा है स्त्री की तरफ, एक जगह लिख लो स्त्री, ठीक है। उस स्त्री का परिचय देते हुए क्या है, उसके पिता, स्त्री का पिता मतलब से ऊपर आ जाएगा, स्त्री का पिता दिया भाई, ये पिता हो गया स्त्री का, पिता है तो पता है जेंडर क्या हो गया प्लस, स्त्री के साथ जेंडर पता ही है क्या है माइनस। उस स्त्री के पिता का एकमात्र पुत्र, उसके पिता का एक ही बेटा है, एकमात्र पुत्र क्या है, एकमात्र पुत्र एक ही बेटा है, उसके पिता का एक ही बेटा है, कहां पे आएगा वो, एक इसके सेम लेवल पे आएगा, क्योंकि स्त्री के पिता का बेटा है, इसका मतलब उस स्त्री के भाई की बात होगी, इसका मतलब उसका भाई है, तो मतलब सेम जनरेशन पे आएगा, है कि नहीं। स्त्री थी इसलिए नेगेटिव साइन, स्त्री के पिता थे इसलिए प्लस साइन, उसके पिता का एक ही पुत्र मतलब स्त्री का भाई, यहाँ पे क्या हो गया, वो स्त्री का भाई हो गया, ठीक है। कौन है वो, एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र है किसका, उसके पिता का, और स्त्री का क्या हो गया, भाई हो गया। मेरा पिता है, वे इस मेरा पिता है मतलब ये जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना, इस स्त्री के पिता का एकमात्र पुत्र मेरा पिता है, तो मतलब मैं इसका बेटा हूं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा पुत्र, मेरा पिता है, ये पिता है प्लस का साइन, ठीक है, पिता है प्लस का साइन, इसका पुत्र मतलब ये भी लड़का है प्लस का साइन, क्लियर है। यहाँ पे स्त्री किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा था, स्त्री तरफ, इसलिए मैं सबसे पहले बोर्ड पे क्या लिखा, स्त्री लिखा। अब उसकी तरफ से मैंने ट्री बनाना स्टार्ट कर दिया, स्त्री का पिता स्त्री से ऊपर आएगा, स्त्री है नेगेटिव साइन, पिता है पॉजिटिव साइन। अब पिता का एक पुत्र है मतलब पिता से अगली जनरेशन की बात हो रही है, तो स्त्री के इक्वल आएगा क्योंकि उसके भाई की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आ गया वो, यहाँ पर उसका पुत्र आ गया, उसका वो पुत्र क्या है, मेरा पिता है, ये जो पुत्र है इसका वो क्या है, मेरा पिता है, इसका मतलब मैं इसका क्या हूँ, बेटा हूँ। तो मैं चला गया नीचे यहाँ पर, तो मतलब ये कौन है,
ये वो आदमी है जो क्या कर रहा था, उस औरत की तरफ इशारा करके उसको परिचय देते हुए कह रहा था। ये तो कौन है? वो पुरुष है जो स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में दिया गया था, जो बोल रहा था एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा। ये पुरुष बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि इस स्त्री के पिता का एकमात्र पुत्र मेरा क्या है, पिता है। ठीक है, तो बताइए वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है। तो ये जो लड़का है लास्ट में वो उस स्त्री से कैसे संबंधित है, उसको क्या हो जाएगा? ये तो किसी किसी बात है, इसकी क्या होगी, बुआ बन गई। तो ये सब क्या हो जाएगा, भतीजा ही हो जाएगा। रिलेशन किसका, किसी तरह पूछा पुरुष का स्त्री तरफ पूछा, वो स्त्री तरफ बन गई, निकल गया यहाँ पे बुआ। और वो क्या है, उसके भाई का बेटा, मतलब वो है भतीजा। तो रिलेशन किसका किससे बताना है, पुरुष का स्त्री से बताना है। तो वो पुरुष उसका क्या लगता है, भतीजा। अब वो स्त्री उस पुरुष की क्या लगती है, बुआ। अब आपसे इससे इसकी तरफ पूछते तो आप कहते बुआ आंसर है, लेकिन आपसे पूछे आदमी क्या लगता है, तो आदमी तो भतीजा लगता है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा भतीजा आंसर हो जाएगा। तो ये अगर विजिबल नहीं है ना नीचे, अगर ज्यादा नीचे चला गया, तो मैं यहाँ पे ट्री फिर से बना देती हूँ एक बार। स्त्री, स्त्री का पिता का एकमात्र पुत्र मेरा पिता, मतलब इस पुत्र का भी एक बेटा है। वो कौन है, वो पुरुष है जो स्टार्टिंग में बोल रहा था। ठीक है, तो कह रहे उस पुरुष का, इस पुरुष का इस स्त्री के साथ क्या संबंध हुआ। अब ये दोनों सेम लेवल पे हैं, इसका मतलब क्या है, भाई बहन है। तो भाई के बेटे की क्या लगेगी स्त्री, ये भाई बहन है, इसका मतलब इसकी क्या होगी, बुआ होगी। ये बुआ होगी तो ये इसका क्या हो गया, भतीजा हो गया। अब क्वेश्चन पूछा क्या क्या है कि पुरुष का स्त्री से संबंध बताना है, तो पुरुष उस स्त्री का क्या लगता है, भतीजा लगता है। बताओ कोई डाउट हो तो निकाल से होना तो नहीं चाहिए। ट्री बनाना है बेसिकली, यहाँ पे पिता पुत्र स्त्री सब लिखा हुआ था, तो प्लस माइनस कितनी जरूरत हमें पड़ी नहीं। लेकिन जहाँ पे एबीसीडी इस तरह से क्वेश्चन चले जाते हैं, वहां पर फिर हम जेंडर स्पेसिफाई करते हैं कि भाई यहाँ पे ए बी सी में से कौन मेल है कौन फीमेल है। यहाँ पर नाम से पता चल रहा है पुत्र स्त्री पिता पुत्र, तो यहाँ पर हमें प्लस माइनस कितनी जरूरत है ही नहीं। तो बेशक आप उसको छोड़ दिए इस क्वेश्चन, ठीक। लेकिन बाकी समझ लो कि स्त्री के पिता का पुत्र मतलब स्त्री का भाई, भाई का बेटा क्या हो गया, उस स्त्री का भतीजा हो गया। ठीक है, अपने पढ़ लो के इस क्वेश्चन को पढ़ो, फटाफट निकल जाएगा, तुम्हें अपने पता चल जाएगा किसकी बात हो रही है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वो मेरी बुआ के साथ मेरा रिलेशन पूछ रहे हैं कि मैं मेरी बुआ क्या रहता हूँ, भतीजा रहता हूँ। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ के अपने ऊपर अप्लाई कर लो, फटाफट निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पी क्यों का भाई है, पी क्यों का भाई है। अब यहाँ पे प्लस माइनस की जरूरत में पड़ेगी, क्योंकि पी क्यों में नाम से पता चल रहा है पी किसी लड़की का नाम है कि किसी लड़की का नाम है ऐसे। तो पी क्यों का क्या है, भाई है। नेक्स्ट है क्यों आर की पत्नी है, क्यों आर की, ये इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है स्पेशली यार, क्यों आर की पत्नी। नेक्स्ट करें आर एस का पुत्र है, आर कौन है, एस का पुत्र है। एस टी की पत्नी है, एस है वो टी की पत्नी है। तो टी का क्यों, तो टी क्यों का कौन है, मतलब टी का रिलेशन बताना है किसकी तरफ, क्यों की तरफ। तो टी क्यों का कौन है, आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है और आपको निकालना क्या है, टी से क्यों की तरफ जाना है, कि टी का रिलेशन बताना है क्यों के साथ। क्या करेंगे सबसे पहले ट्री ड्रॉ करते हैं, पी क्यों का भाई है, पी क्यों का भाई है, भाई जैसा मतलब सेम जनरेशन, सेम जनरेशन मतलब बीच में स्लीपिंग लाइन। कौन भाई है, पी भाई है, तो पी हो गया प्लस का साइन। क्यों का भाई है, क्यों के बारे में नहीं पता अभी भाई मुझे, क्या ये लड़का है ये लड़की, अभी के लिए मैं नहीं करूंगी हम कुछ। नेक्स्ट लाइन का मैं ड्रॉ करती हूँ, क्यों आर की पत्नी है, क्यों वो किसकी पत्नी है, पत्नी कह दिया भाई, क्यों क्या है, पत्नी है, इसका मतलब वो क्या है,
फीमेल है, ठीक है, पत्नी है, जिसका मतलब क्या होगी फीमेल है। ये भाई था जिसका मतलब ये क्या था मेल था। जब तक याद ना आना प्लस माइनस, तब तक बेसिक लिख लो एम और एफ, ये मेल ये फीमेल, अदरवाइज प्लस माइनस यूज करो कि लड़कों के लिए प्लस लड़की डिनोट करेगी माइनस से, ठीक है। क्यों पत्नी है आर की, अब ये पति तो ऑब्वियसली क्या हो गया पति, तो ये क्या हो जाएगा मेल हो जाएगा, साइन किसका आ जाएगा प्लस का साइन आ जाएगा। हम यहाँ से साथ साथ साइन निकालते चल रहे हैं ताकि जब सोल्व करें एट एंड तो वहां पे कंफ्यूज ना हो जेंडर की वजह से, इसलिए मैं सबकी जो जो पता चल रहा है साथ में लिख रही हूँ। तो क्यों पत्नी थी तो ऑब्वियसली आर क्या हो जाएगा उसका पति हो जाएगा, तो ये माइनस है तो वो क्या हो जाएगा प्लस, पति पत्नी लिखा ही हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा है पत्नी थी तो मैंने इक्वल का साइन लगा दिया। उसके बाद है आर एस का पुत्र है, अब आर पुत्र है मतलब ये तो नीचे है, इससे ऊपर कोई और भी आएगा ये तो पुत्र है, प्लस का साइन है, पहले ही पता था कि ये मेल है, ऊपर से गिला ने फिर दिया कि आर पुत्र है, तो आर बेटा है, किसका बेटा है आर बेटा है एस का, तो इससे जो पेरेंट्स होंगे वो कहाँ लिखे जाएंगे इससे ऊपर लिखे जाएंगे, तो आर पुत्र है किसका एस का। अब एस क्या है, उसकी माँ है कि उसका पापा है वो भी मुझे नहीं पता, इस लाइन में तो भी नहीं पता। मैंने लिख दिया आर पुत्र है तो आप लिख दिया नीचे किसका है एस, एस को लिख दिया मैंने ऊपर, और मैंने कौन सी लाइन लगा दी आपकी स्टैंडिंग लाइन लगा दी, उससे ऊपर लिख दिया उसको, ये फादर है तो वो ऊपर आएंगे पहले आएंगे। फिर एस टी की पत्नी है, एस अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पता चल गया एस कौन है पत्नी है, मतलब वो इसकी क्या है मम्मी है, एस आर की क्या है मदर है, क्यों क्योंकि नेक्स्ट लाइन में कहा गया है कि एस टी की पत्नी है, तो एस किसकी पत्नी है, पति पत्नी के बीच में इक्वल का साइन है, किसकी पत्नी है टी की, तो यहाँ पे किसका साइन आना चाहिए प्लस का साइन, भाई ये पत्नी है जिसको ऑब्वियसली टी क्या हो जाएगा पति हो जाएगा, तो मैंने सबके आगे सिंबल लग गए प्लस माइनस सारे क्लियर हो गए, कुछ रह गया नहीं, हमारा ट्री भी बन गया। पी क्यों का भाई स्लीपिंग लाइन, क्यों आर की पत्नी, क्यों और आर के बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, आर एस का पुत्र, आर पुत्र है तो आर नीचे, किसका पुत्र एस का एस ऊपर, नेक्स्ट लाइन में एस पत्नी है टी की, एस और टी के बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन मतलब इक्वल का साइन, एस पत्नी है इसका मतलब वो फीमेल है तो टी क्या हो जाएगा मेल हो जाएगा पुरुष हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस। अब हमें रिलेशन किसका बताना है, तो टी क्यों का कौन है, तो टी क्यों का क्या लगेगा, कहाँ है हमारा टी ये, इसका रिलेशन बताना है किसके साथ, इस फीमेल के साथ, इस क्यों के साथ। भाई देखो अभी ये इसकी माँ है तो ऑब्वियसली ये इसका क्या हो जाएगा पिता हो जाएगा, तो आर टी और एस तो क्या है टी और एस आर के माता पिता है, माता पिता है, ठीक है, टी और एस के का पुत्र कौन है आर है, अभी फिर आर की पत्नी के वो क्या लगेंगे, आर की पत्नी के सास और ससुर, पूछा किसके लिए जा रहा है टी के लिए, वो क्या है मेल, तो इसका मतलब टी क्या हो जाएगा उसका ससुर हो जाएगा। देखो ये दोनों मम्मी पापा हैं आर के, ठीक है, तो ये माँ है और ये पिता है, अब इनके बेटे की वाइफ क्या हो जाएगी, एस की तो पुत्र वधु, इसकी भी क्या पुत्र वधु, तो पूछा किसकी किसकी तरफ है, इससे इसकी तरफ, टी का बताना है, मेन माइंड को होना टी बताओ, टी क्या लगेगा क्यों का, तो टी क्यों का ससुर है, फादर इन लॉ, कोई डाउट हो तो बताओ, क्यों का टी से पूछा होता तो आप कह देते क्या पुत्र वधु डॉटर इन लॉ, लेकिन पूछा किसका है टी का क्यों की तरफ, इसको मान रखना कि ये क्या लगेगा ये आदमी है और ये अपनी बेटे की वाइफ का क्या लगेगा ससुर लगेगा, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है, तो आंसर क्या देगा टी क्यों का क्या है ससुर है, तो ऑप्शन में क्या मिलेगा ससुर या इंग्लिश में वाले बोले फादर इन लॉ, ठीक है फादर इन लॉ हो जाएगा, मतलब कोई डाउट कुछ नहीं होना चाहिए, अगर ट्री बनाना आ गया बस फिर चाहे कितना क्वेश्चन घुमाता रहे तुम्हें बस ट्री में उसको पुट कर देना, कंफ्यूज ही नहीं होगी बिल्कुल, ठीक है। एक तरीका तो ये है अपने ऊपर अप्लाई कर लो, अपने ऊपर से देखते चलो कि क्या कह रहे हैं, पी क्यों का भाई है मतलब आप उस किसी भाई बात करो इनको अपने ऊपर अप्लाई कर लो, पी कौन है और आप अपने
क्या अगर आप भाई का अपमान करोगे रूपये बी क्यों का भाई क्यों मैं भाई हूँ किसका क्यों का अब क्यों आर की पत्नी है अरे जो आर है वो उसकी पत्नी है तो इस समझे तो अपने ऊपर अप्लाई करो या अभी उसमें कंफ्यूज हो जाते हो कहीं ना कहीं जाके तो ट्री वाले में तो बेस्ट है यहाँ पे तो सब कुछ लिख के दे दिया तो कहीं कन्फ्यूजन रहेगा ही नहीं ट्री बनाओ देख लो कि किसका किसके साथ क्या रिलेशन फाइंड आउट करते हो ट्री बनाना सीख लो आप नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है कुसुम रवि की पत्नी है कुसुम रवि की पत्नी है गोविंद और प्रभु भाई है गोविंद और प्रभु भाई है नेक्स्ट है गोविंद रवि का भाई है गोविंद है वो गोविंद रवि का भाई है तो प्रभु का कुसुम से क्या संबंध है तो आपसे पूछा गया प्रभु है प्रभु का कुसुम से क्या संबंध है तो पहली बात देखो किसका किससे पूछा है प्रभु से कुसुम की तरफ पूछा है तो प्रभु का बताएंगे प्रभु क्या लगेगा कुसुम का फर्स्ट थिंग तो माइंड में ये रहेगी प्रभु का से कुसुम की तरफ हमें देखना है रिलेशन अब फर्स्ट लाइन स्टार्ट करो कुसुम रवि की पत्नी है तो हमने लिखा कुसुम पत्नी है मतलब इक्वल का साइन किसकी रवि की लिख दिया उसके बाद दो चीज थी दोनों तो लिखी गई कुसुम पत्नी है तो ये होगी नेगेटिव रवि पति है तो वो हो गया प्लस मेल फीमेल को नोट कर दिया गोविंद प्रभु भाई है अब इस लाइन में गोविंद प्रभु कुछ है नहीं तो के लिए साइड लिख दिया गोविंद क्या है और प्रभु भाई है और भाई है मतलब दोनों क्या है सेम जनरेशन है गोविंद प्रभु क्या है भाई है मतलब दोनों मेल है दोनों नीचे प्लस का साइन अब गोविंद है वो रवि का भाई है एक लाइन तो स्टार्टिंग ये थी कुसुम रवि की पत्नी है ये बना लेना एक ये थी गोविंद और प्रभु दोनों आपस में भाई है दोनों बना लिया हमने प्लस प्लस करके नेक्स्ट लाइन इनको कनेक्ट कर रही है दोनों कि गोविंद है जो वो रवि का भाई है जो ये गोविंद है वो किसका भाई है रवि का भाई है तो मतलब ये सेम जनरेशन के तो मैंने यहाँ पे स्लिपिंग लाइन लगाई क्या दिखाने के लिए भाई ये दोनों तो भाई थे ठीक है लेकिन इनका आपस में क्या संबंध है तो ये गोविंद भी रवि का भाई है तो इनके बीच में क्या आ जाएगा स्लिपिंग लाइन आ जाएगी ठीक है अब हमें सबके बारे में पता है ये फीमेल है ये तीनों मेल है इन तीनों के बारे में पता है ये तीनों भाई है और ये रवि की पत्नी है तो अब पूछा क्या है प्रभु का कुसुम से क्या संबंध हो गया ये अभी प्रभु ये है कुसुम तो प्रभु का कुसुम से क्या संबंध होगा क्या लगेगा प्रभु उसका या तो लगेगा देवर या फिर लगेगा जेठ अभी हमें वो कन्फर्म नहीं कि वो छोटा है कि वो रवि से छोटा है कि बड़ा है तो वो जेठ भी लग सकता है या फिर देवर भी लग सकता है तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा देवर या जेठ दो आंसर निकल रहे हैं यहाँ पे ठीक है सिर्फ एक दिया है इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन अवेलेबल है अदरवाइज ये दोनों आंसर निकल सकते हैं देवर या जेठ दोनों में से कोई एक लेकिन वो चीज यहाँ पे भी क्लियर नहीं है प्रश्न ठीक है यहाँ से ये दो आंसर निकल गए देवर और जेठ ठीक है नेक्स्ट प्रश्न करते हैं टाइप वन का करते हैं हम क्वेश्चन नंबर एट कह रहे गोपाल और उसकी पत्नी की तीन पुत्र है गोपाल और उसकी पत्नी की तीन पुत्रियां हैं कितनी बेटियां हैं तीन है और प्रत्येक पुत्री का एक भाई भी है और प्रत्येक
दूसरी का एक भाई भी है, तो बताना क्या है इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, ठीक है। तो एक तो गोपाल और उसकी पत्नी, ठीक है, गोपाल और उसकी पत्नी कितने मेंबर होंगे, टू। पुत्रियां कितनी होंगे, थ्री। अब प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो यहाँ पर सिर्फ कंफ्यूज कहाँ पे कर रहे हैं, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो लेकिन उनके सिर्फ और सिर्फ एक ही भाई है, वो हर एक का क्या होगा, हर एक का भाई लगेगा, तीनों लड़कियों को क्या लगेगा, भाई लगेगा। तो जो कहा है ना प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो यहाँ पर पुत्र सिर्फ क्या है, एक है, मतलब भाई जो है उनका सिर्फ क्या है, एक ही है। तो टोटल सदस्य कितने हो जाएंगे, थ्री प्लस टू फाइव प्लस वन सिक्स। ठीक है, हम कई बार करते तीन लड़के और तीनों के एक भाई, तीन तो क्या करेंगे भाई की जगह भी तीन लिख देते हैं, तो यहाँ पे तीन तीन छह, छह दो आठ, वो गलत हो जाएगा। प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, मतलब जो एक लड़का है वो तीनों का भाई ही तो लगेगा, तो यहाँ पर तीनों के लिए अलग अलग से नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पर सिर्फ ये है कि प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो ये एक ही आएगा सिर्फ यहाँ पे। तो थ्री प्लस टू फाइव प्लस वन, तो टोटल सदस्य इस टाइम में कितने हो जाएंगे, सिक्स मेंबर हो जाएंगे हमारे फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट किया इन्होंने, यहाँ पे बाकी जगह इसमें कुछ था ही, सीधे से तो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो ट्रिक की गई है वो यहाँ की गई। तो ये थी हमारी टाइप वन, टाइप वन में हमारे एट क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो गए। अब ब्लड रिलेशन में ही टाइप टू है, जिसके अंदर क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। इन्होंने सीधा ब्लड रिलेशन में हम क्या कर रहे थे, आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, पूछ लिया और आपने ट्री ड्रॉ कर दिया, कई टाइप टू में क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिए। देखो इस वाले टाइप टू के अंदर जो क्वेश्चन होंगे ना वो थोड़े अलग तरीके से, कैसे, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पहले दी जाएगी जो आपको माइंड में रखनी है। जैसे लिख दिया a प्लस बी, अगर लिखा हो तो कंसीडर करना a माइनस बी का क्या लेके चलना है, अगर कहीं पे भी a प्लस बी लिखा है इसका क्या लेके चलना है, a मल्टीप्लाई बी का अर्थ और a डिवाइड b का, आपको पहले बता दिया भाई अगर इस टाइप का सिंबल यूज होता है कहीं पे प्लस का कहीं पे माइनस का कहीं मल्टीप्लाई या डिवाइड का, तो आपको इस चीज को मान के चलना है कि ये कह दिया इसका मतलब ये इसके क्या लगेंगे, रिलेशन क्या होगा। तो ये पहले क्या देंगे, आपको पहले से डिटेल दी जाएगी, उसके बाद इनके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपको सोल्व करना होता है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा ऐसे ग्रुप में आते हैं, इतने सारे इन्फॉर्मेशन देने के बाद कम से कम दो या तीन क्वेश्चन पूछता है आपको इन स्टेटमेंट पे बेस्ड। तो ये आपको क्या रहती है, पहले से पढ़ी रहती है कि आपको इस सिंबल को किस तरीके से कंसीडर करना है। तो ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, मिस क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन में अलग अलग होता है, इनको ऐसा मतलब ना कि याद करो मैंने ये लिखवाया इसका मतलब यही है तो मुझे ऐसे सोल्व करना है, भाई ये हर एक क्वेश्चन में वेरी करता रहता है। जो एग्जामिनर आपको एग्जाम लेके देगा आपको सिर्फ समझना है, जैसे मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन यूज कर रही हूँ यहाँ पर ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ठीक है, और a माइनस बी का अर्थ है a b की पत्नी है, a b की पत्नी है। और कहीं पे अगर मैंने लिख दिया a मल्टीप्लाई बी, इसका मतलब a b का भाई है, a b का भाई है। तो लाइन लिखने की बजाय इन्होंने सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया, ये पूरा लिखा हुआ है, ये कह रहा है कहीं पे भी मल्टीप्लाई का आने को समझ जाओ, ये जो a है वो b का क्या लगेगा, भाई लगेगा, या कहीं पर a माइनस बी दे समझ जाओ a है वो पत्नी है b की, ठीक। और लास्ट है a डिवाइड b, इसका अर्थ है a b की पुत्री है, a b की पुत्री है, ठीक है। आपको मतलब ये चीजें गिवन मिलेंगी, पहले क्वेश्चन बाद में आएंगे, इनसे तो आपको निकालना है कि आप अपने क्वेश्चन को अप्लाई कैसे करो। ये आप जरूर नहीं है कि यहाँ पे ए भी लिखा है, क्वेश्चन वाले पार्ट में भी ए भी लिखा हुआ, वहां पे कुछ भी दे सकता है, पी क्यू आर एस कोई भी सिंबल यूज हो सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस पे ध्यान देना है, इस सिंबल पे ध्यान देना है कि प्लस का मतलब पिता, माइनस का मतलब पत्नी, मल्टीप्लाई का मतलब इस क्वेश्चन में भाई, और डिवाइड का मतलब इस क्वेश्चन में क्या है, पुत्री से, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो आपके
सिंपल है मैथमेटिक्स वाले, वो उन सिंबल्स के अकॉर्डिंग रिलेशन के साथ उसको मैच करना। अब क्वेश्चन कैसे आया वो देखो, जैसे क्वेश्चन पहला दे दिया आपको, क्वेश्चन नंबर वन दे दिया आपसे, यदि एस डिवाइड टी प्लस यू प्लस जेड है तो एस और जेड से क्या संबंध है, तो एस का जेड से क्या संबंध है। अब तुम क्या होगी मैम, यहाँ पे तो ऊपर वाले क्वेश्चन में जो आपने दी है यहाँ पे सिर्फ ए और बी दिया हुआ है, नीचे आप एस टी यू जेड का क्या क्या यूज कर रहे हो। तो भाई पहले ही कहा था सिर्फ और सिर्फ जो ध्यान देना है इस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पे ध्यान देना है कि ये बताएगा कि दो जिनके बीच में सिंबल लगा है उनका आपस में रिलेशन क्या होगा। यहाँ पर आपके जो वेरिएबल्स है ये भी ये मैटर बिल्कुल नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ मैटर करते क्या आपकी प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, जिससे रिलेशन पता चलेगा। तो एस और टी के बीच में क्या बना हुआ है, डिवाइड का सिंबल। तो डिवाइड का सिंबल क्या था कि इस केस में जो पहले वाला है ए वो बी की पुत्री है, इसका मतलब एस है वो पुत्री है किसकी, टी की। तो हम क्या बनाएंगे, ट्री बनाएंगे, एस पुत्री है, पुत्री इसका मतलब मालिक संतान किसकी है, टी की। तो यहां पे लिख दिया हमने टी। उसके बाद टी और यू के बीच में किसका रिलेशन है, टी और यू के बीच में है प्लस का रिलेशन। और प्लस के केस में क्या था कि जो पहले वाला था ए बी का पिता है तो टी पिता है यू का, तो टी है वो फादर हो गया, ठीक है। तो यहां से जेंडर स्पेसिफाई हो, टी क्या है फादर है, किसका है पिता है आपका बी का। तो यहाँ पे टी और यू के बीच में प्लस का साइन था तो टी पिता है यू का, तो यू क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा इस लेवल पे, कहां पे एस वाले लेवल पे सेम जनरेशन में आ गए, ठीक है। पहले लाइन पे पता चला कि एस पुत्री है टी की, तो मैंने लिख दिया एस पुत्री है नीचे किसकी पुत्री है टी की, तब मुझे नहीं पता था कि ये माँ है कि पिता। पहली वाली लाइन में माता पिता में से कोई डाउट था कि या तो माता है या फिर पिता। नेक्स्ट जैसे मैंने टी और यू दिया तो प्लस के साइन का मतलब होता है कि पहले वाला दूसरे का पिता है, तो पहले कौन आया टी, टी यू का क्या है पिता है। तो यहां से हमें जेंडर स्पेसिफाई होगा नेक्स्ट उससे कि टी को हमें क्या लिखना है, पिता है, जैसे मतलब मेल प्लस का साइन लिखना है पिता है, किसका है यू का। अब यहां से हमें यू का नहीं पता चल रहा है कि प्लस है कि माइनस है, कहां से टी और यू में से, सिर्फ टी और यू में से टी का पता चल रहा है कि टी पिता है तो वो क्या होगा मेल, और यू हमें भी नहीं पता। नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं, यू और जेड के बीच में फिर किसका रिलेशन है प्लस का, कि यू पहले वाला बी का पिता है, यू जेड का पिता है, यू जेड मतलब ये ऊपर आएगा किसका पिता है जेड का, ये पिता है इसके बारे में पता चलेगा पिता है, जिसका मतलब क्या है मेल है प्लस का साइन है। लास्ट में किसका पिता है जेड का, इसके बारे में फिर नहीं पता मुझे कि ये मेल है कि फीमेल है, लास्ट वाले कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। एस की निकल गई एस पुत्री थी नेगेटिव साइन, टी की निकल गई टी पिता थे प्लस का साइन, यू की निकल गई यू भी पिता थे प्लस का साइन, किसके पिता थे जेड के, तो जेड आएगा नीचे, लेकिन जेड क्या है पुत्र या पुत्री अभी नहीं पता, यहां तो छोड़ो। अब पूछा क्या है एस का जेड से क्या संबंध है, किससे किसकी तरफ बताना है, एस का बताना है जेड के साथ, एस कहां पे है ये किससे बताना है जेड से, तो आपको बताना किसके बारे में है एस का बताना है, एस का बताना है जेड से, तो हमें जेड किसका पता होना चाहिए एस का पता होना चाहिए, वो हमें ऑलरेडी पता ही है। तो एस बताने एस क्या लगेगी जेड, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, ये इसकी क्या लगेगी, तो क्या लगेगा आप बताओ। ये दोनों हो गए भाई बहन सेम लेवल पे है, एक ही जनरेशन आ गई, ये है मेल ये है फीमेल, तो इसके बेटे या बेटी की ये क्या लगेगी, बुआ नहीं लगेगी। देखो एस का जेड से पूछा है ना कि जेड का एस से, अगर जेड का एस से पूछते तो हम कहते भतीजा या भतीजी, दो आंसर हो जाते क्योंकि हमें जेंडर नहीं पता था, लेकिन हमसे पूछा गया एस बता दीजिए क्या लगती है जेड की, एस का जेंडर मुझे पता है वो एक फीमेल है तो एस जेड की क्या लगती है बुआ लगती है, यहाँ पर एक ही आंसर आएगा एग्जैक्ट वो क्या आएगा बुआ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बुआ। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन दिया इन्होंने इस तरीके से, अगली चीज हमने फाइंड कहां से की
ये जो गिवन स्टेटमेंट थी जो ऊपर ऑलरेडी दिया हुआ था यहाँ से हमने निकाला भी ए प्लस बी का मतलब है कि पहले वाला दूसरे का पिता है। ए माइनस बी का मतलब मान के चला मुझे किसी के बीच में भी माइनस का निशान लगा है इसमें जो पहले वाला होगा वो दूसरे वाले की क्या होगी पत्नी होगी। तो यहाँ पर ए और बी बिल्कुल मैटर नहीं करता जैसे यहाँ पे एस टी यू जेड कोई भी ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मैटर क्या करेंगे हमारे ये प्लस माइनस। तो आपको इससे निकालना है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है फिर आपको इससे निकालना है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है और फिर आपको नेक्स्ट वाले सिंबल से निकालना है इन दोनों के बीच जिनके बीच में भी आपके ये सिंबल यूज हो रहे हैं उनके बीच आपको रिलेशन फाइंड करना है यूजिंग दीज गिवन स्टेटमेंट्स। कोई कंफ्यूजन आई थिंक होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं ये मैं इरेज नहीं कर रही हूँ जो तीन चार क्वेश्चन कर रहे हैं सारे इसी को बेस्ड कर रहे हैं आपको ये समझना है कि अप्लाई कैसे करना है। ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन मैंने किया यहाँ पे इसका ट्री बनाया ट्री बनाते हुए हमारा सारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है डिवाइड वाले तो ऊपर कर देते हैं नीचे आपको विजिबल रहे थोड़ा सा ऊपर से लिख देते हैं। ए डिवाइड बी का अर्थ क्या है ए डिवाइड बी का ए बी की पुत्री है ए बी की पुत्री नीचे वाला इरेज करके ऊपर लिख दिया प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन एस माइनस डी प्लस जेड ये बना के दे दिया आपको कह रहे हैं यदि यदि एस माइनस डी प्लस जेड है तो एस का जेड से क्या संबंध है तो एस का जेड से क्या संबंध है ये पूछा गया। ठीक है अगर आपको ये गिवन है कह रहा है अगर ये दिया हुआ है तो आपको बताना है ये एस है वो जेड का क्या लगेगा। ठीक है तो हमें क्या बताना है हमें पूछा गया एस का संबंध बताना है जेड के साथ एस का जेड से क्या संबंध क्या करेंगे सीधी सीधे ट्री बनाएंगे टी ही दिए हैं एस और टी के बीच में किस कौन सा साइन यूज किया गया माइनस का एस या ए और बी है हमने उसको क्या लेना है एस और टी लेना है साइन मैटर करता है हमारा माइनस का मतलब होता है कि पहले वाला दूसरे की पत्नी है इसका मतलब एस पत्नी है टी की एस और टी के बीच में हम किसका साइन पुट करेंगे इक्वल का साइन पत्नी कौन है एस पहले वाली है ना जो पहले आ रहा है अल्फाबेट वो कह रहे पत्नी है तो पहले कौन आ रहा है एस एस पत्नी है इसका मतलब नेगेटिव साइन तो टी क्या हो जाएगा ऑब्वियसली प्लस का साइन हस्बैंड वाइफ हो गई एस और टी। अब टी और जेड के बीच में रिलेशन बताना है किसका साइन यूज कर रहे हैं प्लस का प्लस के साइन का मतलब क्या होता है पहले वाला दूसरे का पिता है तो टी और जेड में पहले कौन है टी टी पिता है किसका जेड का तो टी भाई पिता है ये पिता है तो इसका मतलब इसके जो बच्चे आएंगे वो नीचे आएंगे तो इस जगह पे हम नीचे तक लगाएंगे कौन सी स्टैंडिंग लाइन को नीचे लगाएंगे क्योंकि ये पिता है तो जेड का अब ये नहीं पता हमें ये पिता है तो मुझे ठीक है पता होगा पिता से क्या निकल के आ गया ये मेल है ऑलरेडी मुझे पता ही था पति पत्नी वाले से निकल गया था कि ये मेल है। जेड के बारे में अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जेड नेगेटिव है कि पॉजिटिव है मतलब मेल है या फीमेल है वो मुझे अभी नहीं पता चला इस। अब बताना है क्या मुझे एस का जेड से क्या संबंध है शुक्र है कि मुझे जेड का एस से नहीं बताना वरना मेरे को जेंडर की जरूरत पड़ती कि वो मेल है कि फीमेल मुझे एस का बताना है इससे इसकी तरफ बताना है एस का जेड से क्या संबंध है भाई ये पति पत्नी है ये इसका पुत्र है मतलब ये इसका पिता है सीधी बात है ये क्या हो जाएगी इसकी एस जेड क्या हो जाएगी माता हो जाएगी चाहे वो यहाँ पे लड़का हो चाहे यहाँ पे लड़की हो एस लगेगी तो उनकी क्या माँ चाहे लड़के की हो या लड़की की हो क्योंकि हमें इससे इसकी तरफ बताना है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा माता कोई डाउट ही क्लियर आंसर आएगा भाई ये दोनों पति पत्नी है और ये पिता है जेड का तो इसका मतलब है एस माता है जेड की तो आंसर क्या होगा माता क्लियर कोई डाउट हो तो बताओ बस कुछ भी नहीं करना था ये चीज इंस्ट्रक्शन पढ़नी है ट्री ड्रॉ करना है ये ट्री बनाते हमारा आंसर क्लियर। नेक्स्ट एस मल्टीप्लाइड टी डिवाइड जेड ये देखिए
यदि s मल्टीप्लाई t दिया हुआ है, यदि s मल्टीप्लाई t डिवाइड z है, तो s का z से क्या संबंध है? तो s का z से क्या संबंध है? भाई कुछ भी पूछ सकता है, z का s से पूछ सकता है या t का z से पूछ सकता है, वो डिपेंड करता है, हमें सिर्फ समझना है कि क्वेश्चन कैसे निकल सकता है। ठीक है, हमें तो ट्री बनाना सीखना है, बाकी तो चाहे वो एक बार आपका ट्री बन गया ना, फिर चाहे वो किसी का किसी से रिलेशन पूछे, हमें ट्री में देखना, हमें बता देना भाई ये यहाँ पे सेम लेवल पे है या ऊपर वाले लेवल पे है नीचे पे, इजी है। तो सबसे पहले क्या है, एस और टी के बीच में किसका निशान है? मल्टीप्लाई का। तो उस केस में क्या होता है, भी पहले वाला दूसरे का भाई है, मतलब एस भाई है टी का, एस भाई है, इसका मतलब ये क्या है, मेल है, टी नहीं पता कि लड़की है कि लड़का, छोड़ दो के लिए अभी, फर्स्ट लाइन से एस और टी से क्या चला, एस भाई है टी का। नेक्स्ट आओ, टी और जेड के बीच में कौन सा सिंबल है, डिवाइड का, इसका मतलब है ए पुत्री है बी की, तो टी पुत्री है किसकी, जेड की, ऊपर बनाती हूं यहां पे, क्योंकि ये पुत्री है मतलब ये नीचे आएगी, तो इसके जो पेरेंट्स होंगे इससे ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे, ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे तो हम क्या करेंगे, स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे और इसके पेरेंट्स को ऊपर लिख देंगे, तो जेड को मैंने लिख दिया ऊपर। तो क्या कहा था इन्होंने, पहले वाली पुत्री है बी की, तो यहाँ से पुत्री है तो मुझे जेंडर स्पेसिफाई हो गया, टी का जेंडर क्या है भाई, नेगेटिव है, पुत्री थी ना, पुत्री का मतलब फीमेल है, फीमेल है तो मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइड। लेकिन इस जेड के बारे में मुझे अभी भी नहीं पता चला कि ये कौन है, इसकी माँ है कि इसके पिता है, माता पिता के बारे में नहीं पता चला, छोड़ो हमने ट्री बना लिया, ट्री हमारा क्या बन गया, एस टी और टी के पेरेंट्स जेड, एस का जेंडर पता चल गया पॉजिटिव, टी का जेंडर पता चल गया नेगेटिव, जेड का जेंडर मुझे भी नहीं पता कि ये प्लस है कि माइनस। पूछा क्या है, एस का रिलेशन बताना है जेड के साथ, एस कहाँ पे है ये ना, इसका रिलेशन किसके साथ बताना है, जेड के साथ। अब ये दोनों सेम लेवल पे है, एक प्लस है एक माइनस है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, सेम जनरेशन पे है, एक लड़का है एक लड़की है, मतलब ये दोनों क्या है, भाई बहन है। मैंने कहा था ना, चाहे चाचे हो मेरे कुछ भी हो, वो आपकी जो सेम जनरेशन पे आएंगे वो हम एक ही जनरेशन के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एस और टी एक ही जनरेशन के लिए यूज हो रहे हैं, तो ये दोनों क्या है, भाई बहन है, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। तो हमें बताना है कि एस टी जेड का क्या हो, तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन है तो एस जेड का क्या हो जाएगा, पुत्र, जब टी पुत्री है, टी तो पुत्री है जेड की, तो एस क्या हो जाएगा, जेड का पुत्र नहीं हो जाएगा, ये बेटी है इसकी, ये क्या हो जाएगा, उसका बेटा हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। आई थिंक बोला उठो बोला नहीं जी, एस और टी भाई बहन है, टी पुत्री है जेड की, तो एस क्या हो जाएगा, उसका पुत्र हो जाएगा, क्यों, जेंडर हमें दोनों के क्लियर पता है, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, ये पुत्री है तो ये क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। ये पूछ लेता कि जेड का एस होता तब हम कंफ्यूज होते कि माता या पिता, तब हमें एक चूज करना पड़ता तो वहां पर डिफिकल्टी होती, लेकिन यहाँ पर जब हमें जेंडर स्पेसिफाई है फिर हमें पूछा ही इससे उसकी तरफ है तो हमें कोई डाउट नहीं, तो आंसर क्लियर आ जाएगा हमारा यहाँ पे पुत्र। तो इसी के ऊपर बेस्ड एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं टाइप टू पे, जो हमारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई मैं यहाँ पे ए बी का कोई मतलब नहीं है, ये चीज मान के मत चलना मैम, ऊपर तो इंस्ट्रक्शन में ए बी लिखा हुआ था, नीचे कुछ भी दे दिया उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ बेटर से तुम्हें साइन पे ध्यान दे रहे हैं, भाई साइन का मतलब क्या, और ये ध्यान दे रहे हैं कि किससे किसकी तरफ जा रहे हैं, ए डिवाइड बी का मतलब पहले ए लिखा है, ए बी की पुत्री है, उल्टा मत लिखा ना कि बी ए की पुत्री है, जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन में मेंशन किया है बिल्कुल स्टिक टू उनके वर्ड रहना आपको, कि क्या बताया गया, पहले वाला दूसरे की पुत्री है कि दूसरे वाले पहले की पुत्री है, वरना सारा आपका क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्या है इसके अंदर, एस मल्टीप्लाइड टी माइनस जेड। ठीक है ना, बिल्कुल कुछ रिलेशन पूछा गया है, एस का जेड से बताओ, एस का जेड से संबंध बताओ, एस का जेड से संबंध बताओ। ठीक है, एस और टी के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई, मतलब ये पहले वाला दूसरे का भाई है, एस प्लस का साइन भाई है, किसका भाई है, टी का, सेम जनरेशन में, इसलिए मैंने किसका साइन लगा दिया भाई, स्लीपिंग लाइन लगा दी, एस भाई है टी का, भाई है तो प्लस का साइन, टी का भाई है, टी नहीं पता मुझे प्लस है कि माइनस है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट लाइन, टी और जेड के बीच में किसका रिलेशन है, माइनस का, तो पहले वाला पहला ए बी की पत्नी है, इसका मतलब टी पत्नी है जेड की,
तो यहाँ से मुझे जेंडर पता चल गया, इसलिए मैं यहाँ प्लस माइनस दोनों थे वो हटा दूँ। ती पत्नी है भाई, किसकी पत्नी है? जेड की। तो पति पत्नी के बीच में कौन सा रिलेशन बताया था मैंने? इक्वल का साइन। तो मैंने टी और जेड के बीच में किसका साइन लगा दिया? इक्वल का। अब पत्नी कौन है? टी। तो ये क्या होगी? फीमेल होगी। और टी पत्नी है तो सीधी वाले जेड क्या होगा? मेल होगा। तीन दी थी, तीनों का मैंने जेंडर निकाल दिया, एक प्लस है एक माइनस है ये फिर प्लस है, तो ये दो मेल है एक फीमेल है, ठीक है। ये दोनों पति पत्नी है, और यहाँ पर ये जो है पत्नी थी इसके भाई की बात हो रही है, ठीक है। ये इसका भाई था ना, तो इसकी ये तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो गया इनके बीच में, और इन दोनों के बीच में भाई बहन का रिलेशन हो गया कि ये बहन और ये भाई है। अब हमें बताना क्या है? एस का जेड से संबंध बताना है। एस का है हमारा ये, इसका संबंध बताना है किसके? जेड की तरफ। भाई जो एस है वो जेड का क्या लेगा? ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो भाई इस लड़की का जो भाई होगा वो क्या लगेगा? जेड का साला लगेगा ना। एस का बताना है जेड के साथ कि ये क्या लगेगा, इसका बताना है एस क्या लगेगा, क्या लगेगा? साला। अगर पूछ रहे थे जेड एस का क्या लगेगा, फिर हम कहते जीजा। थोड़ा सा करते ही सारा हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। पूछा है एस का जेड से, तो एस जेड का क्या हो जाएगा? साला कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? साला। सारे में जेंडर डिफाइंड है, सब कुछ पता है, तो हम यहाँ का आंसर क्या करेंगे? साला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, कुछ भी नहीं होना चाहिए तुम तो। एस और टी के बीच में रिलेशन था भाई बहन का, सिर्फ ये भाई था ये नहीं पता था, लेकिन जैसे टी और जेड के बीच में पति पत्नी का पता चला कि ये पत्नी है, तो मुझे पता चल गया ये भाई है ये बहन है, और बहन का पति इसका क्या लगेगा? जीजा। ये क्या लगेगा? उसका साला, ठीक है। खत्म क्वेश्चन, बस आपको ऐसे ट्री बनाना सीखना, फिर आपको ये देखना किसको किसकी तरफ जाना निकल जाएगा। बाकी कोई डाउट हो तो पूछ लो, कमेंट कर देना, अदरवाइज जितनी प्रैक्टिस करोगे निकल जाएगा ट्री। एक बार समझ लो, ट्री बनाना आ गया ना, फिर ब्लड रिलेशन क्वेश्चन तो गलत होंगे होंगे नहीं, बिल्कुल श्योर 100% श्योर। कोई भी आपका, चाहे वो आपके HSSC हो या टीचिंग एग्जाम हो किसी के भी हो, ब्लड रिलेशन में आप मार नहीं पाओगे, ट्री बनाना जैसे अगर आपको क्लियर हो गया बन जाए, ठीक है। लास्ट टाइप करते हैं टाइप थ्री हमारी, टाइप थ्री हमारी लास्ट रहती है, इसको डिस्कस करते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? जैसे लिखा है श्री और श्रीमती मेहता के पुत्र सुनील और अजय, श्री और श्रीमती, मिस्टर और मिसेज मेहता के पुत्र सुनील और अजय, सुनील एवं सुनील व अजय हैं। श्री और श्रीमती सक्सेना की पुत्री, श्री एंड श्रीमती सक्सेना, पहले कौन थे? ऊपर मेहता और नीचे सक्सेना की पुत्री कौन? रीता की किससे शादी हुई है? सुनील से शादी हुई है, सुनील से शादी हुई है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं इसी के अंदर? सक्सेना दंपति के दो और संतान है, जो सक्सेना दंपति है, सक्सेना दंपति के दो और संतान है, ठीक है। सक्सेना दंपति के दो और संतान है। वीणा की शादी श्री एवं श्रीमती मल्होत्रा के पुत्र विजय से हुई है, वीणा की शादी, वीणा की शादी श्री एवं श्रीमती मल्होत्रा, ये मेहता थे फिर सक्सेना फिर श्री एवं श्रीमती मल्होत्रा के पुत्र, श्री एवं श्रीमती मल्होत्रा के पुत्र विजय से हुई है, विजय से हुई है। तो उसके दो पुत्र सोनू टिंकू हैं, उसके दो पुत्र सोनू व टिंकू हैं, ठीक है। आपको ये सारी सारी डिटेल बता दी गई है, कौन है? एक तो श्री आपकी तीन क्या रहती है, मैं आपकी दंपति देती है, श्री और श्रीमती मेहता के पुत्र तो कौन है? सुनील और अजय। श्री और श्रीमती सक्सेना की पुत्री कौन है? रीता। उसकी शादी किसके साथ होगी? सुनील के साथ।
उसके अलावा सेना दंपति के क्या है, सबसे सेना दंपति के दो और बच्चे हैं। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहे हैं वीणा है, जो वीणा की शादी, ये नहीं पता मैं वीणा किसकी बेटी है, वीणा की शादी श्री और श्रीमती मल्होत्रा, एक और फैमिली आ गई मल्होत्रा के पुत्र किसके साथ हुई है, विजय के साथ हुई है। और उसके दो पुत्र हैं कौन कौन, सोनू और टिंकू। ठीक है, तो अब इसके ऊपर बेस हमारे दो तीन क्वेश्चन दे दिए। कैसे, फर्स्ट क्वेश्चन पूछे रीता का श्रीमती मेहता से क्या संबंध, फर्स्ट क्वेश्चन है रीता का श्रीमती मेहता से क्या संबंध है, फर्स्ट क्वेश्चन रीता का, ये रीता कौन थी, श्रीमती सक्सेना की पुत्री थी, किसके साथ बताना है, मेहता, श्रीमती मेहता के साथ, मिसेज मेहता के साथ उनका क्या रिलेशन, ये बताना। ठीक है, तो यहाँ तो वैसे ही हमें सीधा पता चल रहा है कि श्री और श्रीमती मेहता के दो पुत्र थे, सुनील और अजय। तो रीता सुनील की पत्नी है, तो उसकी क्या हो जाएगी, मिसेज मेहता की क्या हो जाएगी, वो पुत्रवधु हो जाएगी। अगर हम नहीं भी बनाए तो हमें बनाते यहाँ पर हम बात करें मिस्टर और मिसेस मेहता, मिस्टर और मिसेस मेहता इनके बीच में क्या है, पति पत्नी है, इक्वल का साइन। दूसरी कौन है, मिस्टर और मिसेस सक्सेना, सक्सेना उनके बीच में क्या है, पति पत्नी का रिलेशन। अब श्रीमती सक्सेना की पुत्री, सक्सेना की पुत्री कौन है, रीता, उनकी दो संतानें और हैं, तीन हो गई, उनका जेंडर हमें पता ही नहीं, उन दोनों को छोड़ दो, इनके बारे में जो पता नहीं, रीता का पता है वो हमारी फीमेल होगी। मिस्टर मिसेस के क्या है, दो बच्चे हैं, कौन, सुनील और अजय। अब शादी किसके साथ हुई, रीता की, सुनील के साथ, तो मैं सुनील को लिख देती हूँ इस तरफ ताकि हमें, हमने अजय को इधर, तो सुनील की शादी किसके साथ हुई है, रीता के साथ, तो ये क्या हो गया, हमारे हस्बैंड वाइफ हो गए। नेक्स्ट कह रहे हैं सक्सेना दंपति की दो और संतान है, दो और संतान हमने यहाँ पे इस तरीके से कर दी। वीणा की शादी स्त्री और श्रीमती मल्होत्रा के पुत्र विजय से हुई। अब हमें एक और बनाना है, विजय मिस्टर मिसेस मल्होत्रा का एक पेयर बना दिया। मिस्टर मिसेस मेहता के दो बच्चे कौन हो गए हमारे, अजय और सुनील, अजय और सुनील। ठीक है, उसके बाद मिसेस सक्सेना की बेटी कौन होगी, रीता होगी, बाकी दो बच्चे हो रहे हैं उनका हमें जेंडर नहीं पता, तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लड़का या लड़की वो हमें अभी मेंशन नहीं है। सुनील की और किसकी शादी हुई, रीता की, तो इनके बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आ गया। नेक्स्ट कह रहे हैं मिस्टर मिसेस मल्होत्रा कौन है, किस, अजय। वीणा की शादी किसके साथ हुई, मिस्टर मल्होत्रा के पुत्र विजय के साथ हुई। यहाँ पर हमें क्या कर दिया, ये कौन हो गया, विजय, मिस्टर मिसेस मल्होत्रा के पुत्र विजय से हुई है। किसकी शादी हुई है, वीणा की शादी हुई है, हमें वीणा नहीं पता अभी के लिए, हम यहाँ विजय लिख दिया, विजय कौन हो गया, मेल हो गया, उसकी शादी किससे हुई है, वीणा से हुई है। और वीणा किसकी बेटी है वो पता नहीं, लेकिन वो हम यहाँ पे रखेंगे, तो मिस्टर मिसेस सक्सेना के इन्होंने कहा है दो बच्चे हो रहे, वो मेल फीमेल कौन से वो हमें नहीं पता, तो हमने वीणा को रखा यहाँ पर, इनके ही बच्चे का नाम वीणा हो सकता है, वो करेक्ट करेंगे कैसे। वीणा की शादी श्रीमती श्री और श्रीमती मल्होत्रा के बेटे विजय के साथ हुई है, और उसके दो पुत्र हैं, उनके फिर आगे क्या है, दो पुत्र हैं, कौन कौन, सोनू और टिंकू। वीणा विजय क्या है, सोनू और टिंकू हमारे। तो हमें बताना क्या था, सबसे पहले प्रश्न क्या था कि आपको रीता का श्रीमती मेहता से क्या संबंध है, तो रीता का श्रीमती मेहता से क्या संबंध हो गया आपका,
वो क्या कहलाएगी उसकी पुत्र वधु कहलाएगी, पुत्र वधु कहलाएगी ठीक है, उनके बेटे की पत्नी। तो मिसेस मेहता के साथ क्या संबंध हो जाएगा, रीता का पुत्र वधु का संबंध हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट वाले में क्या कह रहे हैं, यहाँ पे भाई पता है क्या करते हैं, आपको पैराग्राफ के फॉर्म में सारा रिलेशन देते हैं, आपको पूरे पैराग्राफ से पहले ट्री बनाना है, एक बार बस ट्री बन गया ना फिर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उनको देख के आंसर देना है। तो ये तो सिर्फ डिटेल किसके लिए है, आपको ट्री को फॉर्म करने के लिए है। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सोनू का श्रीमती सक्सेना से क्या रिश्ता है, सोनू का बताना है। मैं यहाँ लिख रही थी वहां जगह कम रह जाती है, सोनू का मिसेस सक्सेना से, मिसेस सक्सेना से क्या संबंध है, आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसी के ऊपर बेस जो स्टेटमेंट गिवन थी, इन पर बेस कह रहे हैं कि सोनू का रिलेशन बताना है किसके साथ, मिसेज सक्सेना के साथ। तो हम सबसे पहले ट्री बनाते हैं, मिस्टर मिसेज मल्होत्रा मिस्टर मिसेज सक्सेना, द लास्ट वन इज मिस्टर मिसेज मेहता। अब मिसेज और मिस्टर मेहता कितने बेटे हैं, सुनील और अजय, अजय और सुनील। सुनील की शादी किसके साथ हुई है, सक्सेना की पुत्री, मिसेज सक्सेना की पुत्री के साथ, कौन है वो, रीता। रीता सुनील के कौन सा रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का। उसके बाद कह रहे हैं सो ये सक्सेना दंपति की दो, सक्सेना दंपति की क्या है, दो और संतानें। वीणा की शादी श्री और श्रीमती मल्होत्रा के पुत्र विजय से हुई है, वीणा की शादी होगी, वीणा की शादी क्या है, मिसेज और मिसेज मल्होत्रा के पुत्र विजय से हुई है, विजय हम कह सकते हैं, मिसेज मल्होत्रा के पुत्र हो गया विजय, सीधे से लिखा हमने श्री और श्रीमती मल्होत्रा के पुत्र विजय, श्री और श्री मल्होत्रा के पुत्र कौन हो गए, विजय की शादी किससे हुई, वीणा से, क्योंकि यहाँ पे तीन संतान दे रखा था, रीता की जो शादी हुई सुनील के साथ दो संतान हो गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने मेंशन नहीं किया कि वीणा कौन है, फिर उन्होंने कहा वीणा की शादी श्री और श्रीमती मल्होत्रा के पुत्र विजय के साथ हुई, तो हमने वीणा को यहाँ पर सेट किया, यहाँ पे तीन संतान थी तो एक वीणा की शादी हुई किससे, विजय के साथ, और विजय कौन है, मिस्टर और मिसेज मल्होत्रा का पुत्र है ठीक है। तो क्या प्लस ये होगी नेगेटिव, और इसके बारे में हमें पता नहीं कि प्लस है कि माइनस, सेम वही जो हम पीछे बनाया था, मिसेज मल्होत्रा मिसेज सक्सेना और मिसेज मेहता, सक्सेना और मल्होत्रा। अब किसके दो पुत्र हैं, इनके दो पुत्र हैं विजय और वीणा के, सोनू और टिंकू। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सोनू का मिसेज सक्सेना से क्या संबंध है, सोनू का मिसेज सक्सेना से क्या संबंध है। तो मिसेज सक्सेना वीणा की क्या है, माँ है, और वीणा सोनू की क्या है, माँ है। तो इसका मतलब है सोनू का मिसेज सक्सेना से क्या हो जाएगा, नाती का संबंध हो जाएगा ठीक है। सोनू तो किसका पुत्र है, सोनू तो पुत्र है भाई वीणा का, अब वीणा किसकी पुत्री है, मिसेज सक्सेना की। तो सीधी सी बात है सोनू मिसेज सक्सेना क्या हो जाएगा, नाती हो जाएगा। यहां से निकाल रहे हैं, ये ग्राफ बनाना था, यहाँ पर सुनील अजय दो फिक्स थे, हमने लिख दिया मिस्टर मिसेज मेहता के दो पुत्र सुनील और अजय, फिर यहाँ पर मिस्टर मिसेज सक्सेना के बारे में ये तो कह रहे हैं, एक तो पुत्री और रीता, उसकी तो शादी होगी सुनील के साथ, यहाँ तो कंफ्यूजन खत्म, लेकिन इनके दो बच्चे हो रहे हैं उनके नाम हमें पता नहीं, हमने दो लाइनें और ड्रॉ कर दी। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो मिस्टर मिसेज मल्होत्रा है उनके बेटे की शादी वीणा से हुई, अभी वीणा कौन है, तो ये हमने कहाँ पे सेट कर दी, मिस्टर मिसेज सक्सेना की जो दो चाइल्ड हो बताए थे वहां पर, तो वीणा और विजय की शादी होगी, उनके भी फिर आगे दो पुत्र हैं सोनू और टिंकू। तो हमें क्या बताना, सोनू का संबंध किसके साथ बताना था, मिसेज सक्सेना के साथ, तो ये वीणा का पुत्र है और वीणा मिसेज सक्सेना की, तो इसका मतलब सोनू मिसेज सक्सेना क्या हो जाएगा, नाती हो जाएगा, और मिसेज सक्सेना सोनू की क्या हो जाएगी, नानी हो जाएगी। तो इससे इसके तरफ पूछा था तो आंसर आ गया नाती, और उसकी मिसेज सक्सेना से सोनू की तरफ पूछते तो आंसर हो जाता नानी।
आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चीज के अंदर। इसी पर बेस्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बस फिर खत्म करते हैं यहीं पे। टाइप देखना, मैंने टाइप ऑलमोस्ट तीनों करवा दिए, जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे प्रिपरेशन से बन सकते हैं। बाकी तुम प्रैक्टिस कर लेना, कोई डाउट हो तो देख लेना, ट्री से ट्राई करना और अपने ऊपर अप्लाई करने से अप्लाई करना कि कैसे आ सकता है, फटाफट निकल जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, सुनील का श्रीमती सक्सेना से क्या संबंध है? सुनील का श्रीमती सक्सेना से क्या संबंध है? ऐसे ही हमने सीरियस कर दिया, बना तो हुआ था। सुनील का श्रीमती सक्सेना से क्या संबंध है? क्या था हमारे यहाँ पे मिस्टर, गलती से मैंने इसको सीरियस कर दिया, मिस्टर मिसेस मेहता, मिस्टर मिसेस सक्सेना, राघव, मिस्टर मिसेस मल्होत्रा, उनके दो पुत्र थे अजय और सुनील, उनके थे तीन बच्चे, यहाँ पर रीता, रीता की शादी संजय के साथ, यहाँ पे वीणा, वीणा की शादी यहाँ पर अजय के साथ, नहीं सॉरी विजय के साथ, और वीणा विजय के बीच में हसन वाइफ का रिलेशन, उनके बीच में भी हसन वाइफ का रिलेशन। अब इनके भी आगे दो पुत्र सोनू, पुत्र लिखा है, दोनों क्या होगी बॉय होगी प्लस प्लस। अब पूछा है सुनील का श्रीमती सक्सेना से क्या संबंध होगा? ये तो क्या सुनील, श्रीमती सक्सेना कौन है? श्रीमती सक्सेना की बेटी का हस्बैंड क्या हो जाएगा? हमें किससे किसकी तरह बताना है, सुनील का बताना है। सुनील का श्रीमती सक्सेना से क्या संबंध होगा? कि सुनील श्रीमती सक्सेना का क्या लगेगा भाई बताओ? इनकी बेटी का पति है, हस्बैंड है, तो वो मिसेस सक्सेना का क्या लगेगा? दामाद नहीं हो जाएगा? सुनील रीता का हस्बैंड है, रीता कौन है? मिसेस सक्सेना की बेटी है, तो सुनील क्या हो जाएगा? मिसेस सक्सेना का दामाद हो जाएगा सीधा सीधा। सिर्फ आपको एक बार ट्री ड्रॉ करना था, उसके बाद सारा उसको देख के आंसर निकल रहे। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, पूछा गया था सुनील का संबंध पूछा गया था मिसेस सक्सेना के साथ, तो सुनील क्या लगेगा? दामाद लगेगा। अब पूछा गया था मिसेस सक्सेना सुनील की क्या लगेगी, फिर क्या हो जाता? सास हो जाता। अगर आपसे पूछते मिसेस सक्सेना का सुनील से संबंध, तब आंसर होता सास। अब उल्टा पूछा है सुनील का मिसेस सक्सेना से, तब हो गया दामाद। बस वही, यहाँ पे हम ब्लड रिलेशन को खत्म करते हैं। मैंने तीनों टाइप आपको करवा दिए, प्रैक्टिस करके देखना, ट्री को एक बार समझने की कोशिश करना। अगर ट्री आ गया कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकालोगे, और बाकी आप अप्लाई करके कर लेना।